एक तो पहली बात तो मंडे के दिन 4 बजे हम लोग मिले हैं कुछ प्ले राइटिंग के ग्रामर को समझने के लिए और स्टोरी को समझने के लिए और क्या है थिएट्रिकल। बार बार हम एक वर्ड यूज करते हैं कि वो थिएट्रिकली इस कहानी को सुनाना चाहिए, ये नाटक तो है लेकिन इसमें थिएट्रिकल, ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा ये जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स है, क्या इसको डिकोड करना, क्या इसको समझना पॉसिबल है, इसको टच करने की हम कोशिश करें। बेसिकली मैं खुद पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में और भी अलग अलग जगह जाकर जो है प्ले राइटिंग के क्लासेस के लिए, वर्कशॉप के लिए कंडक्ट करता हूँ। दिल्ली में कंडक्ट किया, नॉर्थ ईस्ट में किया है, मुंबई में किया है और अभी आविष्कार नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मराठी में पैरेलल थिएटर का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र से नए जो प्ले राइट्स हैं उन लोगों के लिए 3 स्टेजेस में एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है। इसमें से 2 फेजेस हो चुके हैं और 1 होना बाकी है। और इसमें महाराष्ट्र में जैसे कि आपको पता है कि मराठी एक ऐसी लैंग्वेज है और मराठी एक ऐसा क्या कहेंगे उसको, ऐसा एक थिएटर है जिसमें लगातार आज इस वक्त 5 जनरेशन के लोग लिख रहे हैं। स्कूल में लिखा जा रहा है नाटक, कॉलेज में लिखा जा रहा है नाटक, प्रोफेशनल थिएटर के लिए लिखा जा रहा है नाटक, कंपटीशन के लिए नाटक लिखा जा रहा है, पैरेलल थिएटर के लिए नाटक लिखा जा रहा है और स्ट्रीट थिएटर जो है उस टाइप का नाटक लिखा जा रहा है। तो ये वर्कशॉप हमने अनाउंस जैसे महाराष्ट्र में किया तो आपको ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि 62 प्ले राइट्स ने जो है इसके लिए अप्लाई किया। इसमें से हमने जो है 15 लोगों को चुना, उसके बाद में ऑडिशन होकर हमने 6 लोगों को इनमें से सिलेक्ट किया और बाकायदा कुछ इनपुट्स देकर ये लोग लिख रहे हैं। और इसका एक बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है जनवरी में, अरविंद देश पांडे महोत्सव के नाम से हर साल ये फेस्टिवल होता है हमारा, काफ़ी पॉपुलर है। तो इस साल जो नए प्लेज लिखे जाएंगे हमारे वर्कशॉप में जिसमें लिखा प्ले उनके प्लेज को लेकर हम इसको करेंगे। और क्योंकि एक ड्राफ्ट हो चुका है और एक इनपुट्स देने के बाद और उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद अब एक फाइनल इसका ड्राफ्ट होगा और ये प्लेज तैयार हो जाएंगे। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से 6 नाटक लिखे हैं और लिखने वाले 25-26 साल के नए राइटर्स हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका सारे एक्सपीरियंस को देखना, इस यूनिवर्स को समझने का जो एक इनका नज़रिया है, मुझे लगता है बहुत ही अलग है, बहुत ही फ्रेश राइटिंग है। और ये भी एक एक्सपीरियंस है। और मैं खुद जो है प्ले राइटिंग पढ़ाता हूँ तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ अपने कुछ काम किया है, लगातार मैं 2 साल ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और इनके साथ मैं काम करता हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश करूँ। एक तो कुछ चीज़ों को हम टच करेंगे, उसके बाद सेशन खुला होगा, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं खुद प्ले राइट हूँ और आइडिया दिमाग में आने से लेकर प्रोडक्शन, मतलब पेपर पर आप एक नाटक लिखते हो उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, उसको परफॉर्म किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करें। पहले बहुत सिंपल हम तरीके से शुरुआत करेंगे। एक प्ले राइटिंग को लेकर तो बात होगी कि ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही पुरानी आर्ट है थिएटर। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। चलिए सुनील जी भी आ गए। तो इसको थोड़ा सा हम टच करने की कोशिश करें। आप एक तो बात ये है कि मैं कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में एकेडमिक कोई लेक्चर नहीं दूंगा, बहुत ही सिंपल कहानियां, स्टोरीज और अपने एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बात है, बहुत पीछे जाकर जब इस नाटक को
ड्रामा को समझने की कोशिश करते, थोड़ा सा पीछे जाकर इसको समझने की कोशिश करें। बात यह है कि एक आदमी लिखता क्यों है, लिखता भी है तो नाटक ही क्यों लिखता है, इस पहले सवाल को हम समझने की कोशिश करें। तो इसको समझाने के लिए एक्चुअल स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कहानी, एक कहानी बिल्कुल सिंपल, एक कहानी ऐसी है कि हम एक इमेजिन करेंगे कि बहुत स्टोन एज की कहानी, बहुत पुरानी कहानी है। और इसमें यह है कि देखिए जंगल में लोग रहते हैं और केव्स में लोग रहते हैं, ठीक है। शाम का वक्त है, सनसेट होने को है, और जो है कि केव्स में रहना, अब सनसेट के बाद तो दिन खत्म होने वाला है, दिन पूरा खत्म हो जाएगा, उसके फिर जो है उस बस्ती के सारे लोग सो जाएंगे। तो उसके पहले सनसेट में सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई फायर जलाया गया है, कहीं एनिमल को पकड़ कर लाया और उसको जो है रोस्ट करने का काम चल रहा है, और बड़े लोग बोर हो गए, कुछ लोगों को भूख लगी है, बच्चे रो रहे हैं, और एक पूरा जो है बोर्डम फैला हुआ है। और अचानक से बिना कोई कुछ डिसाइड किए एक आदमी जो है जो खड़ा हो जाता है, और क्योंकि अभी लैंग्वेज का जन्म हुआ नहीं, तो वो जो है बड़ी अजीब हरकतें करता है और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने। अब बात ये है कि देखिए ये पहली बात हो रहा है, लोगों ने ऐसा कुछ भी देखा नहीं है। जब वो बड़ी अजीब हरकतें करने लगता है तो लोग जो है अपना बोर्डम भूल जाते हैं, अपनी भूख भूल जाते हैं, और बड़े 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 क्या कहते हैं कि उसको बड़े पूरे ध्यान से जो है वो जो बोलने की कोशिश कर रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल छोटी बात है, जब सुबह के वक्त वो रिवर की नदी की तरफ जा रहा था, तो हुआ ये कि पीछे से एक एनिमल ने, शेर हो सकता है, लायन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक एनिमल ने आकर पीछे से उस पर अटैक, और ये उसके लिए पहला बड़ा अजीब और यूनिक एक्सपीरियंस था उस आदमी के लिए। और पता नहीं उसका उस एनिमल के साथ जो है फाइट करके वो वहां से बच कर निकला और अपने बस्ती में आया। वो जो है इस एक्सपीरियंस को करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कभी एनिमल बन रहा है, कभी एनिमल के साथ झगड़ा कर रहा है, फाइट कर रहा है, और वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी चीजें जो है अपने बस्ती के लोगों को समझा रहा है। ये बिल्कुल एक छोटी सी कहानी है, और हम समझते कि चलो इस कहानी को सुनकर पता चले कि उसने जो है नाटक किया। बात सिंपल है कि देखिए कि उसने नाटक किया क्यों होगा, इसके तीन इसके जो है इसके उत्तर हो सकते। एक तो उसका जो अपना यूनिक एक्सपीरियंस था, एक इनर अर्ज होती है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपनी कहानी और मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ये मेरी इनर अर्ज। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसने कहानी सुनाई होगी, ये पहली बात। दूसरी बात, जो लोग सामने बैठे हुए हैं उनको इंटरटेन करने के लिए कहानी सुनाई होगी, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो है उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए उसने कहानी सुनाई होगी, नाटक किया होगा। देखिए इतने सालों के बाद भी आज भी नाटक करने के पीछे जो ये है उसकी यही, या तो आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए नाटक करते हो, देखिए इंटरटेन का बहुत गलत हम लोग जो है इंटरटेन मतलब स्लैपस्टिक कॉमेडी या हंसाने वाला जो कुछ होता है उसको इंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो आपको होल्ड करता है ना, जो आपको होल्ड करता है उसको हम इंटरटेनमेंट कहते हैं। तो इंटरटेन करने के लिए बेसिकली नाटक आज भी होता है, आपको एजुकेट करने के लिए नाटक होता है, या होता है कि मेरा एक यूनिक एक्सपीरियंस है, एक यूनिक एक्सपीरियंस मेरा, मेरी अपनी कहानी मैं आपको सुनाने के लिए नाटक करता हूँ, ये बेसिक बात है। अब देखिए जब और भी पीछे जाकर हम नाटक के बारे में सोचते हैं, हम हिस्ट्री में जाएंगे नहीं, वो तो बहुत लंबी लंबी छोटी कहानी होगी। एक बात ये है कि हमारे यहाँ खास करके उसको यातु विद्या, यातु विद्या क्या है, तो ये यातु विद्या जो ये रिलीजियस रिचुअल, और हम ये मानते हैं कि आज का जो नाटक है, आज जो हम नाटक करते हैं, ये बेसिकली ये जो शुरू हुआ है ये कहीं इसका इसकी शुरुआत रिचुअल से हुई है, रिलीजियस रिचुअल से हुई। ये बात ये है कि रिलीजियस रिचुअल में क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी ये जो दुनिया है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसके परे और भी एक दुनिया है जो मेरे आंखों को दिखाई नहीं देती या मैं उसको समझ नहीं सकता, और ये जो है ये सुपर पावर है, और ये सुपर पावर जो है
मुझे और मेरे लाइफ को कंट्रोल करने वाली ये सुपर पावर है, और इस सुपर पावर को फेवर में लाने के लिए आदमी कोशिश कर रहा है। बात यह है, और ये हमारे हमारे पूर्वज जो थे वो ये मानते थे कि इस सुपर पावर को जो है आप अपने फेवर में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इस सुपर पावर को? या तो आप एक इस एनर्जी को या इस पावर को आप किसी स्टोन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी पेड़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी आदमी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल, हमने सबने देखा है, खास करके गांव में एक्सपीरियंस किया होगा हमने, कि अचानक से जो है आदमी या औरत जो है वो पजेस होता है, कोई और स्पिरिट जो है उसके भीतर घुसता है और वो अजीब हरकतें करने लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उसकी भाषा चेंज होती है, वो अजीब आवाज में बात करने लगता है, वो नहीं रहता, वो कोई और कैरेक्टर बन जाता है। अभी तो बहुत गांव गांव में तो होता है कि देखिए ये औरत ये तो ना तो हिंदी जानती है, देखो कैसे अंग्रेजी में बात करती है, पता नहीं किसको किस देश को पकड़ लिया। कुछ औरतें तो फ्रेंच में बात करने लगती है, कुछ अरेबिक में बात करने लगती है, वगैरह वगैरह। तो ये छोड़ दी, ये जो है कि आप सुपर पावर को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है यातु विद्या, और ये मानकर हम चलते, सिर्फ हमने दुनिया के हर सोसाइटी में ये माना जाता है कि ये रिलीजियस रिचुअल्स, जैसे शामिल्स, ये शामिल्स एक जो है ये भी तांत्रिक काम करने वाले लोग हैं, और ये लोग जो है ट्रांस में चले जाते। हमारे यहाँ सूफी थे, वो सूफी भी ट्रांस में डांस करते करते म्यूजिक के थ्रू जो है ये ट्रांस में चले जाते थे, ये अलग दुनिया में चले जाते थे और अलग दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो ये जो है अलग दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना और वहां से जो है एक नया नॉलेज लाकर लोगों के साथ शेयर करना, तो अगर इसको मतलब ये रिलीजियस रिचुअल है, और हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा नाटक यहां से शुरू हुआ। अब एक बिल्कुल सिंपल कि जब मैं नहीं रहता, मतलब आप जानते हो कि मैं शफाअत खान और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं प्लेराइटिंग को लेकर और ड्रामा को लेकर आपके साथ जो है बात कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब जब अचानक से मान लीजिए मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज करता हूँ, मैं मेरी आवाज़ चेंज करता हूँ, और मैं मान लीजिए अपने आप को बेटी समझ कर आपके सामने बात करना शुरू करता हूँ, तो आप बोलेंगे ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ अलग है। जब मैं नहीं, मैं कोई और बनता हूँ तो नाटक शुरू होता है। इतना ये सिंपल है। जब एक गांव की औरत वो अचानक से पूरी अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज और सारी चीजों को चेंज करती है, और ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं वो नहीं हूं, मैं कोई और हूं, तो हम मानते हैं कि नाटक शुरू हुआ। आज का नाटक भी इसी तरीके से होता है। बात यह है, और थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो बहुत पुराना, 1000 साल पहले की बात, जो डायनेसिस ग्रीक थिएटर जो है, वेस्टर्न थिएटर की कहानी जब आप सुनते हैं तो वेस्टर्न थिएटर में डायनेसिस नाम का जो है गॉड है, भगवान है, और वहाँ पर अलग अलग भगवान है, और सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग लोगों के पास बांट कर दिए। हमारे यहाँ यही होता है, खास करके हम मराठी नाटक जब करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को वंदन करते हैं, और फिर नाटक शुरू होता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि नाटक का भगवान जो है वो गणेश जी, तो उसी तरीके से वहाँ पर जो नाटक या इस टाइप के जो क्रिएटिविटी मान लीजिए, फर्टिलिटी मान लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है डायनेसिस के अंडर। अब यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसके पास 2-3 डिपार्टमेंट्स, एक क्रिएटिविटी है, एक फर्टिलिटी है, और एक बड़ा अजीब डिपार्टमेंट है वो वाइन का डिपार्टमेंट। तो ये 3 डिपार्टमेंट मिक्स होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आज तक आप देख रहे हैं कि नाटक करने वाले क्रिएटिव पर्सन है, इनका और वाइन का थोड़ा सा रिलेशन बना हुआ है। गलती उनकी या हमारी गलती बेसिक डायनेसिस के पास 3 डिपार्टमेंट देने वाली बात चल रही है और उससे। तो अब एक थेस्पीज नाम का आदमी था जिसको हम फर्स्ट ट्रेजिडियन, पहला नाटक वाला, तो होता था ये कि इस डायनेसिस के सम्मान में कुछ भजन गाए जाते थे स्ट्रीट पर, मार्केट प्लेसेस में, या टेम्पल के बाहर, या 15-20 लोगों का कोरस हुआ करता था, और ये कोरस जो है गाकर नाच कर डांस करके डायनेसिस के सम्मान में गाने गाते थे। अब अचानक से एक दिन ये हुआ कि उस कोरस में जो थेस्पीज नाम का आदमी था, गाने वाला था, वो कोरस से, उस मॉब से अलग हो गया,
और अलग होकर अपने आप को डायनेसिस समझकर लोगों को कोरस के साथ डायलॉग करना। तो ये है वेस्टर्न नाटक की शुरुआत और थेस्पीस को जो है हम पहला ट्रेजिडियन मानते हैं। जब भी किसी एक्टर की या नाटक वाली की बात होती है तो उसको थेस्पियन के नाम से हम आज भी बुलाते हैं, खास करके दिलीप कुमार का जब भी नाम निकलता है तो द ग्रेट थेस्पियन के नाम से, तो वो थेस्पीस है। तो वहां से ये जो है शुरुआत हुई है नाटक की, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो ये जो है कि जब मैं कोई कोई और समझता हूँ तो नाटक की शुरुआत होती है। तो ये नाटक का बेसिक है और यहाँ से ये शुरुआत, मतलब एक जमाने में इजिप्ट में प्रोसेशंस निकलते थे और उस प्रोसेशंस में बड़े बड़े रथों पर प्रोसेशंस निकलते थे, वो आजकल भी निकलते हैं जैसा आपने देखा है ना। तो ये भी एक प्रकार का नाटक होता है, प्रोसेशन में जो है अलग अलग भेस में और अलग अलग रूप लेकर जो है प्रोसेशन में आदमी जो है निकलते हैं, तो इसको भी हम नाटक ही समझते हैं, ये भी एक नाटक का परफॉर्मेंस ही है। तो ये बात है। अब देखिए ड्रामा जो है, ड्रामा ये शब्द जो है ये ड्रैग से आया है, इसका ओरिजिनल है DRAN, ड्रैग से आया है। ड्रैग का मतलब होता है टू डू का मतलब होता है एक्शन, कुछ करना, एक्शन एक्शन और एक्शन एक्शन का और बाद में हम डिफाइन करेंगे कि एक्शन क्या है, लेकिन एक्शन जो है जब मुझे कुछ चाहिए तभी मैं एक्शन करता हूँ और मेरा जो है ड्रामा शुरू होता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, उसके बाद में ड्रामा पूरा चेंज हुआ है, लेकिन बेसिक चीजों को समझने के लिए और फिर जो है हम राइटिंग के ग्रामर तक आएंगे उसको समझने के लिए बेसिक कुछ चीजों का मालूम होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये ड्रामा जो है उसको हम बाद में समझने की कोशिश करें। अब बात ये है कि देखिए आप जब एक नाटक देखने के लिए जाते हो, बिल्कुल आप जब एक नाटक देखने के लिए जाते हो तो आपको पूरी तरह से पता है कि अब मैं एक नाटक देखने जाने वाला हूँ। आज हम जो बात करते हैं वो नाटक डेरोगेटरी टर्म है, बस बहुत हो गया नाटक मतलब, बहुत हो गए तेरे नाटक वगैरह वगैरह वगैरह। इसका नाटक करना का मतलब होता है कुछ बहाने बनाना झूठी चीज का। तो आप जब एक नाटक देखने जाते हो तो आपको पूरी तरह से पता है कि अब मैं एक खेल देखने जाने वाला हूँ, ठीक है, और एक छोटा बना बनाया हुआ खेल, एक काल्पनिक खेल है, बिल्कुल इसको लिखा गया है, इसको डिरेक्ट किया गया है, इसकी रिहर्सल हुई है और उसके बाद जो है इसको मेरे सामने परफॉर्म किया गया। अब बात यह है कि 300 रुपये का टिकट निकालकर 500 रुपये का टिकट निकालकर मैं एक अपने आप को कोई मुझे फंसा रहा है और मैं जो है अपने आप को चीट कर रहा है और मैं उसको एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है मैंने 500 रुपये दे दिए मुझे आप चीट। तो ये जो है इसके बहुत टेक्निकल वर्ड्स में हम जाएंगे नहीं, लेकिन एक एग्रीमेंट ये है कि नाटक करने वाला मैं जो हूँ, मैंने नाटक लिखा है और मैं आपके सामने नाटक परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरा और ऑडियंस के बीच में जो एक करार हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ, यह है कि बिल्कुल मैं अब आपको एक खेल दिखाने वाला हूँ, ये झूठा है बनाया हुआ है और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए आपका अविश्वास जो है उसको दूर रखिए, आप भरोसा कीजिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ रियल सच कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सच है। 2.5 घंटे के लिए जो है आप अपने अविश्वास को दूर कीजिए, इसको बिल्कुल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के नाम से ये जाना जाता है, ये थिएटर में होता है। 2 घंटे के लिए आप विश्वास रखने के लिए तैयार हो, आप बोलेंगे चलिए ठीक है आप दिखाइए, हम विश्वास न देखिए जो हो रहा है, मतलब आपका घर है जो मुझे दिख रहा है कि ये पेंटेड घर है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि रियल है। हाँ बच्चों के नाटक में तो ये होता है कि दो बच्चे हैं और वो चले जंगल में भूत को पकड़ने के लिए, तो दोनों बच्चे एक चेयर पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और जो है वो चेयर जो है उनके लिए घोड़ा बनता है, ठीक है, बस सिर्फ टक 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 करके निकलते हैं जंगल में भूत को पकड़ने के लिए। आप विश्वास करो कि चेयर है इसको मैं घोड़ा मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये एग्रीमेंट है, ये सहूलत जो है आप देते हो, इसमें अलग अलग है थिएट्रिकल क्या होता है इसको समझने के लिए। ये अब देखिए एक मराठी नाटक है और हमारे यहाँ
हिस्टोरिकल नाटक बहुत पॉपुलर है, खास करके मराठा हिस्ट्री, मुगलों की हिस्ट्री, ये बहुत पॉपुलर है और बहुत चलने वाले नाटक है। अब औरंगजेब को लेकर एक मराठी नाटक है तो सिंपल है कि औरंगजेब मराठी नाटक में मराठी में बोलेगा, ठीक है ना, मराठी में बोलेगा औरंगजेब, उर्दू में तो बोलेगा नहीं, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है कि मराठी नाटक है तो बोलेगा, वो सिर्फ इतना बोलेगा या अल्लाह एक कायसा। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है औरंगजेब मराठी में बोलेगा, यहाँ तक मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, तो ये एग्रीमेंट हो। लेकिन इसमें देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मराठी में किस्सा हो, मराठी में एक बहुत बड़े पॉपुलर स्टार, इतना बड़ा मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस एक्टर का बहुत पॉपुलर एक्टर था ये, जब ये बुकिंग ओपन होती थी तो 3 घंटे में इसका प्ले, इसके नाम से नाटक हाउसफुल होता, और ये जो है संभाजी का रोल कर रहे थे या औरंगजेब वाले नाटक। अब औरंगजेब जो है ये या अल्लाह है काय झाले बोलता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना एग्रीमेंट उस नाटक में नाटक करने वालों ने ऑडियंस के साथ किया। अब एक दिन ये हुआ, ये संभाजी या ये जो एक्टर था इनको थोड़ी सी क्योंकि ये डायनासोर का भक्त है तो पीने की आदत है और ये सारी दुनिया को पता था कि बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन थोड़ा सा पिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से संभाजी ने गुस्से में गेट आउट और लोगों ने शो उठ आउट किया, शो बंद हो गया। सिर्फ शो बंद नहीं हुआ तो उसके पास उस एक्टर की पूरा करियर बर्बाद। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि हिस्ट्री में ये लिखा हुआ संभाजी जो था, संभाजी अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी लिखता था, संस्कृत उसने लिखता था, संस्कृत पढ़ता था, जब और औरंगजेब की हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो मराठी होता, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद औरंगजेब का मराठी बोलना लोगों ने एक्सेप्ट किया और जो संभाजी अंग्रेजी बात कर रहा था उस संभाजी का उस दिन गेट आउट बोलना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्या है, नाटक वालों ने उस हिस्टोरिकल नाटक में सिर्फ इतनी एग्रीमेंट हुई है कि औरंगजेब जो है मराठी है, लेकिन संभाजी का कुछ मान लीजिए औरंगजेब कल को चश्मा पहनकर आता है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो एग्रीमेंट हुई है, एग्रीमेंट वाली बात है। अब देखिए आपने गांव में तमाशा होते हैं या हमारे कोंकण में दशावतार और या रामलीला, तो रामलीला में राम की भूमिका करने वाला या दशावतार में भगवान की भूमिका करने वाला जो एक्टर है ये गांव का ही आदमी है या आसपास के गांव का आदमी है और सब लोग इसको पहचान लें, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, ये पियक्कर है, इसका कैरेक्टर भी जुआरी है और जो जितनी बुरी आदतें हैं सब उस एक्टर में। लेकिन वो जब राम के कैरेक्टर में खड़ा होता है तो लोग उसके पैर आकर छूते हैं, उसको माला चढ़ाते हैं। तो ये है जो है आप कुछ वक्त के लिए उसको राम समझने के लिए तैयार। एक जमाने में पूरी दुनिया में फीमेल कैरेक्टर भी मेल एक्ट्रेस ही किया करते, और हमारे यहाँ मराठी में बाल गंधर्व, नाम आपने नाम सुना होगा, नारायण राय बाल गंधर्व के नाम से जाने जाते थे बहुत, मतलब महाराष्ट्र में ये माना जाता है कि महाराष्ट्र में और मराठी समाज में एक ही खूबसूरत औरत हुई, वो है बाल गंधर्व। तो ये बाल गंधर्व सबको पता है कि ये पुरुष है, उसके बावजूद जब बाल गंधर्व किसी फीमेल कैरेक्टर में खड़े होते थे तो आज पूरा ऑडियंस जो है ये मानता था कि हाँ ये जो है ये औरत है, ये और ये कोई मर्द ही भूमिका नहीं कर रहा, ये औरत है। तो ये है विलफुल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अब देखिए ये थिएटर की पावर है, एक थिएटर में जो है अभी इसी वक्त आपके सामने प्रेजेंट टाइम में चल रहा है नाटक, और मैं हबीब तनवीर के नाटक का एक उदाहरण आपको दूं। हबीब तनवीर नाम के बहुत बड़े डायरेक्टर थे और बहुत अलग टाइप के छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को लेकर वो अपना नाटक, उनके नाटक
मतलब शेक्सपियर के नाटक से लेकर ग्रीक ट्रेजेडी से लेकर संस्कृत क्लासिकल नाटक, हर प्रकार का नाटक उन्होंने अपने अपने स्टाइल में किया है, जिसमें गाने हुआ करते थे, जिसमें डांस हुआ करता था, जिसमें एक्रोबैटिक्स हुआ करते थे वगैरह। उनके नाटक का एक सीन, अब थिएट्रिकल होना क्या, क्या थिएटर की ताकत है? देखिए थिएटर में थिएटर की अपनी ताकत है, जब तक इस ताकत को हम नहीं समझेंगे तब तक एक प्ले लिखना या थिएटर के लिए कुछ लिखना, थिएटर के लिए कुछ करना संभव नहीं। अब हबीब जी के नाटक का ये एक सीन है, इसमें जो है एक एक तरफ जो एक पुरुष खड़ा है और बिल्कुल धनुष बाण लेकर खड़ा है, और इस तरफ जो है एक औरत खड़ी है जिसके सर पर मटकी, ठीक है। अब ये सिंपल इतने से पता चला कि ये तो आर्किटाइप है, कि वो मेल फैंटेसी है, खासकर के इंडियन मेल फैंटेसी है कि जो है मटकी टूटेगी, पानी गिरेगा और भीगी हुई औरत जो है, ये हमारे इंडियन मेल फैंटेसी, एक भीगी औरत और पानी, दो फैंटेसीज है इंडियन लोगों के। तो ये जो है ये वेल नॉन सीन। और देखिए अब जो है वहां पर वो खड़ा है बिल्कुल एम लगा कर, और किसी भी वक्त वह टावर छोड़ेगा, वहां वो औरत खड़ी है, मटकी टूटेगी और पानी से औरत देगी। अब जो है देखिए जब वो इस तरीके से खड़ा है तो सब पूरा ऑडियंस जो इस तरीके से देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि क्या ये करेक्ट छोड़ेगा वो नहीं, ये सर्कस तो है नहीं और वो कोई ट्रेन होगा नहीं, तो फिर मान लीजिए कहीं एरो गलत हो गया, कहीं उस औरत को कहीं और लगेगा और इंजर्ड हो जाएगी, पता नहीं, और ये तो बिल्कुल कुछ पीछे म्यूजिक बन रहा है और टेंशन सा होगा। बिल्कुल सिंपल है, एक डांसर आता है जिसमें पांव में घुंघरू बांध रखे और डांस करते करते आता है, वो वहां से एरो निकालते हैं और फिर डांस करते करते जाता है और मटकी को लगाता है, और जो है ना तो मटकी टूटती है ना तो पानी गिरता है, बस मटकी को टच करता है और जो है औरत बस इतना करती है और अंदर चली जाती है। बस आपने इमेजिन किया एक एक भीगी हुई औरत, ये फिल्म में पॉसिबल नहीं, ये किसी भी आर्ट फॉर्म में ये पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ थिएटर के नाम, आपने आपने जो है इमेजिन किया, तो इसको इस तरीके से करोगे आप। एक सिंपल मुझे हमेशा मेरा अपना एक प्रॉब्लम है कि हम जब नाटक देखने जाते हैं तो जो पूरा ऑडियंस पैक होता है, हाउसफुल होता है, 1000-1200 लोग हमारे साथ बैठते हैं, हाँ, और कभी कभार हम कोई नाटक देखने जाते हैं तो बिल्कुल पूरा हॉल जो है खाली, 1-4-5-6-10-15 लोग हैं और हम लोग बैठे हैं। एक्चुअली जब 10-15 लोग हैं तो हमको खुश होना चाहिए, टिकट तो उतना ही दिया है लेकिन जो है फैल कर बैठ सकते हैं हम, बहुत क्राउड होता है तो फिर वो हाथ रखने से लेकर सारा सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पीछे पाँव आगे पाँव रख कर बैठ सकते हैं, बड़ा फैल कर इंजॉय कर सकते हो, उसके बावजूद देखिए आपको अच्छा नहीं लगता। जब हाउसफुल शो देखने जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, ये क्या है? ग्रीक नाटक हुआ करते थे 16,000 लोग ऑडिटोरियम अटेंस में जो है, वहां 16,000 लोग बैठकर नाटक देखते थे और नाटक देखना वहां के लोगों के लिए कंपलसरी। ये है एक्चुअली नाटक जो है ये आप एक साथ इमेजिन करने की कला है, 1,000, 1,200, 16,000, 10,000, 15,000 लोग एक साथ आते। देखिए आप कभी अकेले नाटक देखने नहीं जाओ, आप 10 लोगों से पूछोगे आज नाटक देखने आते हो, तो 4-5 लोग मिलकर जाओ, कभी अकेले नहीं जाओगे, अकेले जाओगे तो आपको उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन आप साथ में जाओगे, ये है एक साथ बैठकर पूरी सोसाइटी एक इमेजिन कर इस खेल। तो ये है देखिए नाटक में जो है थिएट्रिकल जो हम बोल रहे हैं, ये पहली बात ये है कि यहाँ पर जो है आप किसी चीज को स्पेल आउट नहीं, यहाँ आप जो है इमेजिन करने के लिए स्पेसिस छोड़, जो इस थिएटर को जानता है, जो थिएट्रिकल क्या थिएट्रिकल होना क्या होने का मतलब जानता है, वो जानता है कि किस तरीके से सीन को लिखना चाहिए और किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अब देखिए अब स्टोरी को लेकर बात ना, ये स्टोरी क्या, देखिए इसको भी अलग अलग तरीके से स्टोरी को डिफाइन किया गया,
और ये एक एक सिंपल वे में अगर आपको, क्योंकि नाटक और स्टोरी का एक स्टोरी टेलिंग ही है, टेलिंग नहीं है, दिखाना, क्यों आप नाटक में पहला नाटक का नियम है कि डोंट टेल शो, आप बोलते हैं, आप जिसको नाटक नहीं लिखना आता वो उसका नाटक जो है वो वर्ड में हर चीज़ को समझाने की कोशिश करता है, तो नाटक अलग है, वो आपको एक कहानी को दिखाने की कोशिश करता है। अब एक सिंपल देखिए, हर नाटक में स्टोरी होती है, स्टोरी है ना, लेकिन स्टोरी नाटक नहीं, मतलब क्या है देखिए, मान लीजिए एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके आपके आप अगर मेरे घर में आकर मुझे आपको चाय पिलानी है तो मैं कैसे आपको चाय पिलाऊं, मैं आपको मुंह खोलने के लिए तो नहीं बोल सकता और डाल नहीं सकता, आपको चाय पिलाने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए, तो मैं आपको जो चाय है कप में, एक कप में चाय डालूँ कर आपको दूँ, आपको काफ़ी देना है तो काफ़ी कम होगा, कोल्ड ड्रिंक देना है तो ग्लास में दूंगा, वाइन देना है तो और कुछ मिक्स विस्की दे दिया और कुछ ग्लास, तो देखिए बात ये है कि चाय को आप तक ले जाने के लिए मैंने कप को यूज़ किया, कप होल्ड करता है चाय, वैसे ही देखिए कहानी जो है वो आपके थॉट को, आपके क्या उसको पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके विजन को होल्ड करने का काम करती है, इससे ज़्यादा स्टोरी जो है नाटक में, इससे ज़्यादा स्टोरी का कुछ काम नहीं है। आप कोई भी नाटक देखने जाते हो ठीक है ना, और अगर वो मीनिंगफुल नाटक है, सिर्फ इंटरटेन करने वाला होगा तो ठीक है, मतलब आप उसके बाद बाहर आते हो और आपको लगता है कि एक्चुअली मैं मुझे बुलाया था घर पे, हाँ अगर आप मेरे घर में आएंगे मैं चाय नहीं दूंगा सिर्फ कप ला कर दूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या हुआ, आपने सिर्फ मेरे सामने कप रखा। आज के 90% आप नाटक देखेंगे, खास करके मैं प्रोफेशनल थिएटर की बात करता हूँ, तो आपको चाय पीने के लिए बुलाया है उसने, लेकिन वो सिर्फ आपको कप देगा, ठीक है ना, उसमें चाय है नहीं, वो एम्प्टी कप, और आप जो है निराश होकर, आपको हंसी आती है, आप हंसते हैं, आपको अच्छा भी लगता है वो जो कुछ है, क्योंकि अच्छा अगर खूबसूरत कप होगा तो नेचुरली अच्छा ही लगेगा, लेकिन बाहर जाने के बाद आपको लगता है नहीं मेरे साथ कुछ चीटिंग होगी, मैं चाय के लिए मुझे बुलाया था लेकिन मुझे चाय नहीं मिला। अब नेक्स्ट टाइम आप जब अपने नाटक देखने जाओगे तो आप अपने आप से पूछना, आप मैं मुझे मुझे चाय थी या सिर्फ एम्प्टी कप था, 99% सिर्फ एम्प्टी कप, तो छोड़िए। तो ये देखिए कि एक एक नाटक में स्टोरी है, लेकिन स्टोरी सब कुछ नहीं है, उसके उसके पर उसके परे ना। अब जैसा देखिए एक बात ये है जो शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ है, नाटक वालों ने बोला है कि मैं कुछ छोटी चीज़ें तुमको दिखाने वाला हूँ, फिक्टिशियस है, काल्पनिक है, बनी बनाई हुई है, मैं स्टूल को बोल रहा हूँ कि और कुछ है, इसको उठाकर बोल रहा हूँ कि ये बम है आप विश्वास रखिए, और पूरा इसको बम समझ कर खेलता हूँ आप विश्वास रखते हैं, चलिए इसको बम समझने के लिए मैं तैयार हूँ। आप पूछेंगे ये सब क्यों खेल दिखा रहा, तो सिंपल है कि देखिए मेरा आप थोड़ा सा अपने अविश्वास को हटाओगे तो मैं आपको देखिए ये बड़ा आध्यात्मिक सा लगेगा कि एक नए चीज का साक्षात्कार आपको, साक्षात्कार से डरने की बिल्कुल डर सा लगता है कि ये एनलाइटनमेंट होना और साक्षात्कार होना क्या है, तो इसके लिए एक जेन कहानी है, बहुत छोटी एक लाइन की कहानी है, जेन कहानी ऐसी है कि एक लकड़ी तोड़ने वाला है और वो ये कहानी सुना रहा है कि साक्षात्कार के पहले मैं लकड़ी तोड़ता था, लकड़ियां तोड़ता था, साक्षात्कार के बाद में लकड़ियां तोड़ता, कहानी खत्म। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर्स लिखे गए हैं कि ये कहानी क्या है, तो इतना सिंपल साक्षात्कार होना मतलब बहुत कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ग्रो हो, और कोई भी अच्छी किताब, कोई भी अच्छी फिल्म और कोई भी अच्छा नाटक आप जब उस देखने को जाते हो तब जो हो और देखकर बाहर निकलते हो तब जो हो उसमें थोड़ा सा फर्क है, आप थोड़े से ग्रो हो, ये मैं अच्छे नाटक की बात करूँ, सिर्फ कम वाले नाटक ही नहीं पाते, वो आपको एंटरटेन करता है, वो आपको ये करता है, लेकिन आपको ग्रो करता है। ये साक्षात्कार होना जो है, ये साक्षात्कार
वाली जो बात है, ये बात ये है कि लकड़ी तोड़ने वाला जो पहले भी लकड़ियाँ तोड़ता है ना, जब वो लकड़ियाँ तोड़ता था तो अपने काम से बड़ा नाराज था, उसको लगता था कि बड़ा मैकेनिकल बड़ा बोर हो गया हूँ, कोई मतलब उसको लगता था कि मेरे लाइफ में कोई मतलब कोई इंटरेस्टिंग काम है नहीं। अब जो है साक्षात्कार के बाद उसको अपना काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा, अब वो बड़ा मन लगाकर वो काम करता है वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये ग्रोथ की बात। तो आपने आपने जो करार किया, आपका जो एग्रीमेंट है ऑडियंस के साथ, वो ये है कि मैं किसी एक सत्य का साक्षात्कार तक आपको ले जाऊंगा। एक सिंपल बात है, देखिए एक एक क्रिएटिव पर्सन जो होते हैं उसमें वो साइकोलॉजी में तीन कैटेगरीज है, उसमें एक उसमें साइंटिस्ट है, एक उसमें आर्टिस्ट है और एक उसमें राइटर है। अब मान लीजिए कि एक रास्ते पर कोई एक हादसा हुआ है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, लाश पड़ी हुई है और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, और उस मॉब में हम मानकर ये चलते हैं कि एक राइटर है, एक पुलिस वाला है और एक रिपोर्टर। अब रिपोर्टर का काम जो भी फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को पेपर में न्यूज़ एक न्यूज़ बनाना, तो फैक्ट्स को लेकर ये उसका काम है। अब जो पुलिस खड़ा है, आपने पुलिस का पंचनामा कभी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन डिटेल में पूरी डायरी पुलिस को इतना डिटेल होता है कि कितना फीट कितने इंच से लेकर टाइम से लेकर कौन सा कलर से लेकर ब्लड जहां गिरा है वो उसका मेजरमेंट वगैरह वगैरह पूरा सब कुछ डिटेल। अब आप बोलेंगे इतना डिटेल पुलिस ने अगर पंचनामा किया है तो फिर एक राइटर जो नॉवेल लिखता है और पुलिस पंचनामा करता है, इसमें फर्क क्या है? पुलिस को हम राइटर क्यों नहीं, पुलिस को तो कोई राइटर नहीं, उसकी तो कोई कीमत नहीं, तो राइटर अलग क्या करता है? तो बात यह है कि इस ये जो भी मर्डर हुआ है, जैसा रिपोर्टर ने उस पूरे इसका रिपोर्टिंग किया और इसने अपनी पुलिस डायरी बनाई, राइटर के लिए वो जो इंसिडेंट है वो सिर्फ उसको मोटिवेट करता है, वो सिर्फ उसको इंस्पायर करता है, वो सिर्फ उसके भीतर जो कहानी है उस कहानी को लिखने के लिए कंपेल करता है, और वो जो है फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करता है। जैसा हम ये मानते हैं ना, साइंटिस्ट जो होता है वो फैक्ट्स को पकड़कर ट्रुथ तक जाने की बात करता है, और राइटर जो होता है वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट जब तक नहीं करता तब तक वो ट्रुथ तक नहीं पहुंचता। एक सिंपल बात है, मैं जहां रहता था वहां की बात, एक स्कूल में मेरे बगल में रहने वाले बगल में रहने वाली बच्ची थी 7-8 साल की, और बिल्कुल करीब स्कूल थी, उस स्कूल में जाती थी, बहुत दूर थी नहीं। एक दिन शाम को ये हुआ कि स्कूल छूटने के बाद एक घंटा हुआ और वो घर लौटी, अब वो घर लौटी नहीं, तो एक घंटा हुआ डेढ़ घंटा हुआ घर लौटी, तो उसकी माँ अकेली माँ थी तो वो भाग दौड़ करने लगी स्कूल में गई। स्कूल में जाकर पूछा तो बोले नहीं स्कूल में तो कोई नहीं है, सब चले गए। फिर बस वाले से पूछा तो बस वाले ने बोला नहीं वो आ तो आज बस के लिए आई नहीं, जो भी बच्चा है उनको हमने छोड़ा है तो वो लड़की आई नहीं। अब जो है वो माँ बड़ी परेशान थी, तो फिर वो किस बिल्कुल मेरे बगल वाले घर में ये सब हुआ था तो मैं भी इन्वॉल्व था उसमें। फिर हम पुलिस स्टेशन वगैरह चले गए, पुलिस में बताया कि पुलिस ने कहा नहीं हम थोड़ा सा उनको 4-5-6-7-8 घंटे का आप 2-2.5 घंटे में आ गए आप पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह सब कुछ। और एक में जो है बच्ची ने यूनिफॉर्म पहना था और बीटी स्टेशन से फोन आ गया माँ कि तुम्हारी बच्ची जो है यहाँ पर बीटी स्टेशन पे जो है। और हुआ ये कि बीटी स्टेशन पर उसी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस जो थी, जब आप रिटायर हुई है, वो वहाँ कहीं बीटी स्टेशन पर थी और उसने देखा कि उसके स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुई एक बच्ची वहाँ खड़ी, तो उसने पकड़ा उसको पूछा और उसने को फोन किया। बात वो नहीं है, वो बच्ची लौट कर बच्ची लौट कर आने के बाद उसको पूछा गया कि हुआ, उसने कहानी सुनाई। वो इस तरह कहानी ये थी कि बस उसकी मिस हो गई, बस मिस हो गई तो उसने सोचा कि चलो ये बेस्ट वाली बस से चलना है, तो बस स्टॉप पर खड़ी हो गई और अचानक से एक गाड़ी वाला आदमी वहाँ आया और पता नहीं क्या हुआ, हिप्नोटाइज किया हुआ उसको, पता नहीं क्या हुआ उसका,
वो सब कुछ भूल गई और उस जो है साधु या महाराज या जो भी वो डरावना दाढ़ी वाला है, डरावने व्यक्ति को जनरली दाढ़ी होती है हमारे तो वो कैरेक्टर जो था उसके साथ वो लड़की चली। अब ये कहानी अब कुछ दिन से जो पता चला, कुछ दिन से मतलब थोड़ी देर के बाद जो पता चला वो ये था कि वो लड़की जो है, उस लड़की की दादी जो है वो बेंगलोर में रहती थी और कभी कभी छुट्टियों में जो है वो दादी के पास चले जाते थे। और दादी जो है एक ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर कहते ना, जो कुछ मन की सारी बातें हैं वो बोलने की जगह एक ही थी दुनिया में उस बच्चे के लिए, वो थी दादी। और हुआ ये कि उस स्कूल में जो टीचर थी, उसकी क्लास टीचर थी, वो क्लास टीचर उसके साथ बदतमीजी से बिहेव करती, उसको बिल्कुल वो पसंद नहीं थी और उसको लगा कि मुझे जो है स्कूल में नहीं जाना चाहिए, इस टीचर के साथ नहीं काम करना चाहिए और मुझे निकलकर दादी के पास जाना चाहिए। तो वीटी तक का जर्नी उसको पता था, वहां जाकर वो फंस गया। अब देखिए ये सत्य है, सत्य ट्रूथ क्या है, बहुत महंगी इंटरनेशनल स्कूल है। अब ये कौन से सोसाइटी और कौन से माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे कि स्कूल खराब है और वो टीचर खराब है। ट्रूथ ये है कि वो स्कूल अच्छी नहीं, वो टीचर अच्छी नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। इस ट्रूथ को समझाने के लिए डिस्टॉर्ट करके फैक्ट्स को उसने एक कहानी बनाई जो एक्सेप्टेबल है। तो एक्चुअल कहानी लिखने वाला जो हवलदार में और बड़े नॉवेलिस्ट में फर्क है वो यही है कि वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करता है और एक कहानी तक पहुंचने की कोशिश करता है, एक ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये बेसिक कहानी। अब देखिए, अब अगर प्ले राइटिंग का अपना एक ग्रामर है और जैसे कि एक एरिस्टोटल नाम के जिसने पोएटिक्स की रचना की थी और उसने कुछ स्टेजेस बताए, तो वो और एक वेल मेड प्ले बनाया जा सकता है इस सारे ग्रामर को, इस सारे डिवाइसेस को, इस सारे टेक्निक को समझकर। और सालों से पिछले 2,500 साल में बार बार ये प्रूव हो चुका है कि इस टेक्निक से, इस डिवाइसेस से और हमारे पहले जिस प्ले राइट ने नाटक लिखा है उसके कुछ एलिमेंट्स को समझकर, उस कुछ प्रिंसिपल्स को समझकर एक वेलमेड प्ले लिखा जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं, इसका अगर आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपका अनुभव अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो आपका नाटक नेचुरली अलग है। लेकिन सिर्फ हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे कि वो जो एलिमेंट जो है, देखिए क्रिएटिव राइटिंग में क्रिएटिव पर्सन के लिए कोई रूल है, एक ही रूल होता है कि आप कोई रूल फॉलो नहीं करें। लेकिन जैसे दलाई लामा बोलता है, उनका मानना है कि रूल को आप तोड़ेंगे लेकिन रूल को तोड़ने की हिम्मत आने के लिए आप रूल को समझोगे। तो पहले आप रूल को समझोगे ताकि वह आपको हिम्मत देता है रूल को तोड़ने, और फिर आप जो है आप अपने तरीके से उस रूल को तोड़ सकते। तो बात सिंपल है, एक एक आपके 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 नाटक में कहानी है। देखिए आप जब नाटक की बात करते हो तो नाटक में कहानी नहीं है, नाटक में प्लॉट। कहानी में और प्लॉट में बेसिक फर्क है, कहानी का कोई शुरुआत नहीं होती और कहानी का कोई अंत नहीं होता। मतलब मेरी कहानी कहाँ से शुरू होती है, जब मैं पैदा हुआ था वहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। फिर आप बोलोगे नहीं, पैदा हुआ तक मैं जहाँ हुआ वहाँ से कहानी नहीं शुरू होती, एक्चुअली मेरे माँ बाप की शादी हुई तब से कहानी शुरू हो गई। फिर आप बोलेंगे नहीं, बाप पैदा हुए थे वहाँ से कहानी को शुरू करना चाहिए, फिर दादा पैदा हुए थे वहाँ से कहानी को शुरू करना चाहिए, फिर परदादा शुरू हुए थे वहाँ से कहानी को शुरू करना चाहिए। तो इसका कोई शुरुआत नहीं, और मेरे मृत्यु से मेरी कहानी समाप्त नहीं होती क्योंकि मेरा बेटा आगे बढ़ता है तो उसकी कहानी शुरू होती है, फिर उसके बेटे की। तो इसका कोई एंड प्लॉट है, गिने चुने तीन चार पाँच छः इंसिडेंट है, उसके आप रचना करते हो और आप जो है अपने 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 नाटक का स्ट्रक्चरिंग करते हो। तो देखिए आपका अगर वेलमेड प्ले की मैं बात कर रहा हूँ तो आपका नाटक कैरेक्टर से शुरू हो सकता है कि देखिए हैमलेट हो, किंग लियर हो, ऑथेलो हो, ये सारे शेक्सपियर के नाटक, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट कैरेक्टर से। या हमारे यहाँ विजय तेंदुलकर मराठी के प्ले राइट थे, इनके बहुत सारे प्लेस, कमला हो, सकाराम बाइबल हो,
बेबी हो, राशिराम कोतवाल हो, ये सारे के सारे नाटक जो है एक कैरेक्टर से शुरू हुए। तो आपके पास कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मैं जब हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक्सरसाइज करता हूँ तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सुनाता हूँ, उसमें से सिर्फ दो कैरेक्टर्स आपको सुनाता हूँ जिसपे वो नाटक लिखना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने नाटक लिखा नहीं। एक कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि देखिए ये आदमी कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार, मतलब इतना ये कुत्तों से इसका लगाव है कि गांव में जब निकलता है तो गांव के सारे कुत्ते जो है उसके साथ निकलते हैं, ये कुत्तों के साथ बात करता है, कुत्तों की भाषा समझता है, ये नेचर से प्यार करता है, ये जंगल में जाकर पौधे लगता, झाड़ लगाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, तो ये इतना जो है नेचर से प्यार करने वाला आदमी है, लेकिन घर में जो है अपने पत्नी को पीटता है, ये देखा हुआ है स्टूडेंट ने और इसको लेकर करना चाहता है, लिखना चाहता है, अभी नाटक लिखा नहीं, इसको छोड़, ठीक है। दूसरे एक स्टूडेंट का और दूसरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये है अचानक से एक दिन उस लड़के एक जवान लड़का है, उसको उसके समझ में आता है कि उसको एड्स हुआ और वो सीरियस है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर, जिसने मुझे कहानी सुनाई उसका रिलेटिव है, वो एडमिट एडमिट होने के बाद अब डॉक्टर ने बोल दिया कि 5-6 दिन की बात है, ये 5-6 दिन में मर जाए, इससे ज्यादा इसकी जिंदगी है। अब इसने क्या, इसको मिलने के लिए जैसे लोग जाते थे, तो इस कैरेक्टर ने जो है लोगों के बीच झगड़ा लगाना शुरू किया, अब कोई आएगा तो उसको बोलने को वो आके गया, वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, तो उनका झगड़ा शुरू हो गया है। तीसरा कोई आया उनमें, और ये जो आदमी 5 दिन में मरने वाला है उसने पूरे फैमिली को बर्बाद कर, वो झगड़ झगड़ कर मर गया, और सब एक ही हर आदमी यही बोल रहा है वो मरने वाला है, वो ऐसा क्यों बोलेगा, जो तुमने जाकर कोई बोला ही होगा कभी, तो ऐसा बोलेगा। तो अब ये दो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मेरे दो स्टूडेंट इसको लेकर कुछ लिखना, तो वो छोड़ दीजिए, तो ये कैरेक्टर है और वो क्यों नहीं लिख पाए उसको बाद में हम समझने की कोशिश करें। तो ये बेसिक आप करें, या आप प्लॉट से शुरू कर सकते हो, आप कहानी से शुरू कर सकते हो, आप जैसे हेरॉल्ड पॉइंटर करता है इमेज से शुरू कर सकते हो, कहीं से भी आपका नाटक शुरू हो सकता है, या फिर आप थॉट से नाटक शुरू कर सकते हो। थॉट मतलब खास करके स्ट्रीट थिएटर करने वाले और एजिट प्रॉप नाटक करने वाले जो लोग हैं उनका नाटक थॉट से शुरू, मतलब मुझे दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचार को लेकर अब कुछ लिखना चाहिए, ठीक है, मुझे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया तो उस भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लिखना चाहिए, ये जो है एक थॉट से शुरू होने वाला नाटक है। तो आपने एक थॉट को पक्का कर दिया कि ये थॉट है, और इस थॉट को लेकर जो है आपने अपने प्लॉट की रचना की, आपने कहानी बनाई, कहानी है तो उसमें कैरेक्टर्स है, और फिर आपकी कहानी बनती है, और आप इस थॉट को प्रूव करने के लिए जो है एंड तक अपनी अकॉर्डिंगली इंसिडेंट की रचना करते हैं, ये एक एक बात। अब जो है कि जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमीर खुसरो की लाइन ये है कि देखिए वाइन में क्या होता है, वाइन में फ्रूट्स है, वाइन में पानी है, ठीक है ना, वाइन में कलर है और वाइन में शुगर है, और ये सारी चीजें आपके पास है लेकिन इसकी वाइन नहीं होती। वैसे ही आपके पास कैरेक्टर्स है, आपके पास प्लॉट है, आपके पास आइडिया है, आपके पास इमेज है, पर उसका नाटक नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए, वाइन बनाना। वाइन बनाने के लिए एक तो बेसिकली वो जो भी है आपके पास उसका एक प्रमाण होना चाहिए, ठीक है, उसका और प्रमाण होने के बाद उसका फर्मेंटेशन होना चाहिए, जब तक वो फर्मेंट, जितनी पुरानी वाइन उतनी इंटरेस्टिंग वाइन, अब ये सुनने के बाद सुनील बोलेगा कि 4-5 साल में दिखता नहीं, तो इसका उसको डिपेंड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये अब और बेसिकली देखिए एक क्रिएटिविटी की 5 स्टेजेस में क्रिएटिविटी को डिफाइन किया था। बात यह है पहले एक आपके सामने प्रॉब्लम आता है और आप उस प्रॉब्लम को लेकर प्रिपरेशन शुरू करते हैं,
ये बात सिंपल है, आर्किमिडीज की कहानी आप सबको पता है। एक सिरैक्यूज का राजा था हिरोना, ठीक है, और वो जब जब राजा बना तो उसको लगा कि वो स्टेट की गॉडेज जो है उसके लिए ग्राउंड बनाना चाहिए, और उसने जो है सोचा कि इतना बेहतरीन होगा और इतना अच्छा होगा कि उसके स्टेट में जो बड़ा बनाने वाला आर्टिस्ट था उसको बुलाया गया और उसको एक गोल्ड दिया गया, उसको बोला गया कि तुम इसका क्राउन बनाओ। अब उसने जो क्राउन बनाया वो बहुत ही खूबसूरत था, इसमें कोई ये नहीं, लेकिन राजा को शक हुआ कि इसमें कुछ मिक्स किया हुआ है, तो ये गोल्ड, लेकिन जितना गोल्ड किया था उतना गोल्ड का है, तो वेट तो सेम है लेकिन इसमें कुछ है, इसमें कुछ मिक्स किया। तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे हमारे आर्किमिडीज, उनको बुलाया गया और आर्किमिडीज से बोला गया कि देखिए तुम इसको ढूंढ कर निकालो कि इसमें क्या मिक्स किया। तो आर्किमिडीज ने इस प्रॉब्लम को लेकर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो पांच स्टेजेस है उसमें एक प्रिपरेशन है, एक इनक्यूबेशन है, एक इल्यूमिनेशन है और एक इवैल्यूएशन है। तो ये आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया, जैसे आर्किमिडीज के दिमाग में एक प्रॉब्लम उसके सामने आ गया कि एक क्राउन है और इसमें कुछ मिक्स किया है, इसको फाइंड आउट करना है, और अभी कोई इक्वेशन कोई फॉर्मूला नहीं है इसको प्रूव करने का कि इसमें क्या है, ठीक है। और ये होता है कि आप जो एक पॉइंट के बाद जो है आप कॉन्शियसली अपने आइडिया पर काम करना बंद करते हो। दो चीजें, एक कॉन्शियस है एक अनकॉन्शियस है, फ्रॉइड के लिए हम सब कॉन्शियस है। तो अब जो है आपने जो है आपके आपकी जो आइडिया है आपके दिमाग में आई उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे 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 आपको लगा कि आप इस पर मेहनत नहीं करना चाहिए, इसको खुलना चाहिए, इसका कुछ नहीं होगा, और आप इसको दबा देते हो, ये आइडिया जो है आपके अनकॉन्शियस में जाती है ना, और अनकॉन्शियस में अब कॉन्शियस प्रोसेस बन गई और अनकॉन्शियस में जो है आपकी आपकी प्रोसेस शुरू हो। अब आर्किमिडीज के साथ ये हुआ, ये जो अनकॉन्शियस में जो आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस जो है इसको हम इनक्यूबेशन करते हैं, या जो या फर्मेंटेशन, जैसे हमें कुछ रोक है ये फर्मेंटेशन आपका शुरू हो जाता है। और अचानक से जैसे आर्किमिडीज के साथ हुआ था कि वो नहाने के लिए बाथ टब में उतरा और उसने देखा कि उसका जितना वॉल्यूम है उतना पानी बाहर निकलता, और उसको एक फॉर्मूला मिल गया कि वेट का कोई लेना देना नहीं, वॉल्यूम से रिलेटेड है वो, और उसने फिजिक्स का जो है एक फॉर्मूला ढूंढ कर निकाला। और जैसा ही उसके दिमाग में ये बात आई तो यूरेका चिल्लाता हुआ बाहर निकला, ये स्टोरी सबको पता। तो ये इलिमिनेशन वाला पॉइंट है जहाँ पर आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। नाटक को लेंगे तो आपके पास एक आइडिया है, जैसा वो कैरेक्टर है उस लड़के के पास जो कैरेक्टर है जो अपने पत्नी को मारता है, पीटता है बुरी तरह, लेकिन कुत्तों से उसकी दोस्ती है, ठीक है। अब ये बहुत दिनों से वो लिखना चाहता है पर वो लिख नहीं सकता, एक पेज लिखता है फिर आता है बोलते एक पेज पे नाटक फंस गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं, अब उस कैरेक्टर की कहानियों क्यों सुनाना चाहता है, उस कैरेक्टर के थ्रू वो क्या बोलना चाहता है, ये उसके पास नहीं। जब ये उसको पता चलेगा कि इस कैरेक्टर की कहानी के थ्रू मैं जो बोलना चाहता हूँ ये है, वो कैरेक्टर जो इंटरेस्टिंग है वो सिर्फ कब है, चाय कहां, वो चाय जब तक उसके हाथ नहीं लगेगी तब तक उसका नाटक कंप्लीट नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, वही वो जो एड्स वाले लड़के का नाटक है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब वो कब के तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भाई आज वैसे भी आप नाटक लिखोगे तो बड़ा इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग नाटक बनेगा, लेकिन उसकी कहानी सुनाकर प्लेराइट जो राइटर जो है वो क्या बोलना चाहिए, कुछ तो अपनी बात बोलेगा, बहुत बड़ा बड़े थॉट की जरूरत नहीं, रिलेशनशिप को लेकर कुछ बोल रहा है, किस चीज को लेकर वो क्या बोले, जब तक वो क्लियर नहीं तब तक उसका मैटर कंप्लीट होगा नहीं, वो इस कैरेक्टर के साथ खेलता है, जैसे सखाराम बाइंडर के साथ हुआ, तेंदुलकर का सखाराम बाइंडर के एक बेस्ट नाटकों में से एक नाटक, तो उनके साथ भी यही हुआ था कि बाइंडर की कहानी सखाराम की कहानी जब उन्होंने सुनी थी, सुनने के बाद उनको इंटरेस्टिंग लगा और वो उन्होंने जो है कॉन्शियसली उस कैरेक्टर पर सोचना बंद कर दिया। लेकिन आप कॉन्शियसली सोचना बंद करते हो करो तो भी अनकॉन्शियसली जो है आपके भीतर वो काम चलते रहता है, और एक दिन मैरिज सिस्टम को लेकर,
मैन वुमन रिलेशनशिप को लेकर तेंदुलकर को लगा मुझे कुछ बोलना चाहिए, खास करके मैरिज सिस्टम को लेकर मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो उस वक्त जो है अनकॉन्शियस में सकारात्मक तो वो बाहर निकल कर आया और उसके थ्रू उस कहानी को तेंदुलकर ने सकारात्मक आइटम में सुनाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें हैं। तो आपका आपका नाटक थॉट से शुरू हो सकता है, आपका नाटक कैरेक्टर से शुरू हो सकता है, या आपका नाटक आइडिया से शुरू हो सकता है, इमेज से शुरू हो सकता है, या किसी भी कहानी से शुरू। और आप जो है जैसा कि हमने पहले देखा कि नाटक में आप जो है इमेजिन करने के लिए आप जगह छोड़ते हो, स्पेस छोड़ते हो। तो अगर वो नहीं है तो वो नाटक इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। थिएटर में हर चीज़ मेटाफर बनकर आता है, हर चीज़ का स्टूल स्टूल तो है, इससे ज़्यादा ये काम थिएटर में करता है। स्टूल स्टूल का भी काम करता है, स्टूल से ज़्यादा भी कुछ काम करता है। मतलब आपके आपका एक फ्लैट है, मान लीजिए ये फ्लैट लगा हुआ है, विंडो है, और विंडो पे जो है सलाखे या बार्स लगे हुए हैं, तो वो सिर्फ बार भी कुछ आपको सजेस्ट करते हैं। जैसा आप अचानक से कर्टन खुलता है और आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये घर नहीं, ये 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 क्या उसको कहते हैं कि वो जो थ्रू है या जेल है, इसमें जो है यहाँ के फैमिली के मेम्बर्स ट्रैक हो गए। तो ये जो है मेटाफर, इमेजेस यूज करना, इमेजरी यूज करना नाटक में, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तभी वो नाटक जो है रीज बनता है। और जो है जितना आप नाटक देखते हो उसके परे वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है। अब ये सूफी लोगों का ये मानना है कि कहानी जो है वो आपके पीछे नहीं, वह आपके आगे नहीं, वह आपके भीतर है। हर आदमी के पास एक कहानी है, इसको आजकल यू आर स्टोरी भी कहते हैं, ठीक है, वह आपके भीतर है, वह इनबिल्ट है आपके पास। एक कहानी, दो कहानी, तीन कहानी, यूजुअली एक कहानी, और वो बार बार उस कहानी को लिखने की कोशिश करता है, नाटक लिखता है, पेंटिंग करता है, उस कहानी को एक्सप्रेस करने की करता है। और जो उसके भीतर है और वो जो लिख रहा है वो कभी भी एक नहीं, बहुत रेयरली होता है कि वो जो बोलना चाहता है वो वैसे के वैसे जो कहानी निकल कर बाहर आए, क्योंकि वो कहानी नहीं बाहर आती, इसके लिए जो है बार 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 वो बोलने की कोशिश करता है। और मैं अपने जैसे स्टूडेंट को सुनाता हूँ राइटिंग को लेकर और किसी भी क्रिएटिव चीज़ को लेकर, जैसा बेकेट ने कहा है कि इसमें सक्सेस का कोई चांस सिर्फ एक ही है, फेल बेटर। आज आपको 10 ही मार्क मिले, कल आपको 15 मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास मिलने की कोई चांस नहीं। तो ठीक है, तो फेल बेटर वाला आप दिमाग में रखेंगे। तो बार बार कहानी लिखना, बार बार नाटक लिखना थोड़ा आसान होगा। मैं यहाँ एक 5 मिनट ब्रेक करता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। कितना वक्त है मुझे पता नहीं, बोलते क्या हैं। तो वी हैव अबाउट 30 मिनट्स, इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट ड्रोव यू टू राइट योर फर्स्ट टेक? एक 10 साल पहले नहीं, थोड़ा सा मैंने एक अपने स्टूडेंट के साथ काम किया। मतलब हमारे क्लास में एक सीन लिखने का एक्सरसाइज होता है और वो खुद अपना कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, वो खुद सीन का लोकेशन डिसाइड करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं, और वो एक सीन लिखते हैं। तो वो लिखा हुआ सीन मैं आपको पढ़कर दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ सकता, छोटा सा 2 पेज का। अब उसने सब कुछ लिखा है डिटेल में, थॉट भी, कैरेक्टर भी, वो नहीं, हम डायरेक्ट सीन पढ़ते।
दो पेजेस का सीन है, दो कैरेक्टर्स है इसमें, दो एक्चुअली चार है, एक मणि है और एक प्रीति है। मणि एक पार्क है लोकेशन ओवर क्राउडेड, और मणि जो है पार्क पर पार्क में बेंच पर बैठा है और किसी के लिए वेट कर रहा है। घड़ी में देखता है 5:30 बज चुके हैं, परेशान। मणि ने धोती सूट पहन रखा है पार्क में, आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। अब प्रीति जो है एंटर होती है और बहुत डिटेल में है, मतलब वो एक्वेरियन है, ये स्कॉर्पियन है वगैरह वगैरह, ना डिटेल में जाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट है तो बड़े एक्साइट होकर सब कुछ डिटेल में कलर से लेकर सिगरेट के ब्रांड से लेकर सब कुछ। प्रीति एंटर्स थ्रू अ गेट ऑफ अ पार्क विथ हर डॉटर, 6 ईयर बेटी है नीना नाम, एंड सन कीर्तन 4 ईयर्स। प्रीति के दोनों हाथों में प्लास्टिक बैग्स है, बच्चे खेलने के लिए झूले की तरफ भागते हैं दोनों, और प्रीति जो बच्चों को कहती है संभाल लो भागवत, नीना टेक केयर ऑफ कीर्तन, मम्मी सीटिंग ऑन दैट बेंच वहां पे, ठीक है। शी सिट्स नेक्स्ट टू माइन, फिर प्रीति कहती है हाय मणि वापस लेट, हाँ मणि कैसे हैं आपके पतिदेव, नेवर बीन बेटर। मणि रॉक्समन सिगरेट का पैकेट निकालता है, सिगरेट निकालकर जलाने लगता है मणि, ऑफकोर्स नेवर बीन बेटर प्रीति, क्यों खटकती है, अब जैसा उसने लिखा है मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाऊँ, क्यों खटकती है मणि, मुझे क्यों खटकेगी, आई मीन प्रीति नहीं कुछ है तुम्हारे मन में तो बोलो, यू डोंट हैव टू बी सरकास्टिक। मणि सवाल ये है कि तुम सुनना क्या चाहते हो, पॉज, यही कि योर हस्बैंड इज अ बास्टर्ड, आई एम जेलस ऑफ हिम फॉर हैविंग यू, यही ना, हाँ नहीं मैं नहीं कह सकता प्रीति, बुझदिल हो मणि, प्रैक्टिकल प्रीति, एक प्रैक्टिकल बुझदिल मणि, सिगरेट फेंकता है, देखो कोई कंपल्शन नहीं है, यू डोंट हैव टू कम, आई डोंट नीड प्रीति, या राइट यू नीड मी जस्ट फॉर द नॉर्मल सपोर्ट मणि, ओह आई सी, पिछले 10 सालों में तुम इस पार्क में इसलिए आती हो कि मुझे मॉरल सपोर्ट मिले, थैंक यू, हाँ सीरियसली एंड फॉर काइंड एंड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, ओह माय गॉड इट्स लेट, राजा आता ही होगा, आई हैव टू लीव, नीना कीर्तन, नीना कीर्तन को लेकर आओ, फिर कभी मिलना है, और निकलते निकलते पूछते फिर कब मिलना है मणि, संडे 4:30, ये है कि ऑलरेडी मैरिड है, वो 2 बच्चे हैं उसको, और 10 साल से वो मिलते आते, मणि जो है ये सब लिखा हुआ है उसका, मैंने बताया नहीं था, मणि जो है राइटर है और लिखता है, स्ट्रगलर है, उस जमाने में 10-15 साल पहले अभी अभी शुरू हुआ था, या उस लड़की की फैंटेसी है कि वो सीरियल राइटर है, ठीक है, तो वो सीरियल के लिए लिखता है, तो ये जो है और ये मणि और इसके बीच वाला सीन, और इसको पढ़ने के बाद इस पर डिस्कशन हुआ, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसको थिएट्रिकल करके आपको सुनाया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं, नहीं तो बड़ा फ्लैट लगेगा, तो लोगों का ये मानना है, सब लोग बोलने लगे कि ये बड़ा बोर सीन है, फ्लैट है, कन्फ्यूज है, कहीं कुछ जाता नहीं, इस सीन में कुछ ग्रोथ होती नहीं वगैरह वगैरह, जो जो टेक्निकल टर्म्स है उसको देखने के बाद लगा कि ये नहीं, इसको कुछ अलग होना चाहिए, ये फ्लैट, इसमें सब टेक्स्ट, एक टेक्स्ट और सब टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट वो है जो आप बोलते हो और सब टेक्स्ट वो है जो आप बोलना चाहते हो, ठीक है ना, तो ऐसा लगा कि इसमें सब टेक्स्ट नहीं, तो एक सब टेक्स्ट, जब तक सिर्फ टेक्स्ट आदमी बोलता है तो फ्लैट होता है और बड़ा बोर लगने लगता है, जब सब टेक्स्ट होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है पूरा माहौल, तो फिर इसको करेक्ट करके सीन लिखा, देखिए बहुत ग्रेट वगैरह नहीं लेकिन करेक्टेड थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है, वो क्या ये मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ये करेक्ट वो सेम है मणि और सेम वो प्रीति है, ठीक है, पार्क भी वही है,
सिर्फ ओवर क्राउडेड नहीं है वो, क्योंकि एक सीन के लिए इतने 100-150 लोगों को लाना और जो बेटा और बेटी है जो 6 साल का और 4 साल का, ये भी थिएटर में पॉसिबल जो शो में 4 और 6 साल का बच्चा और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ दोनों आते हैं और है बाद में झूले पे खेलने के लिए भागते हैं, तो इस में जो है सिर्फ प्रीति और मणि, ठीक है, ये मणि वेट कर रहा है, घड़ी देखता है, फिर छोटा टेपरे को उस जमाने में सीरियल में सीरियल लिखने वाले लोग यूजुअली जो दो दो तीन तीन सीरियल एक साथ लिखते थे, मेरे कुछ दोस्त वो लोग उस जमाने में कहीं भी मतलब शाम को पार्टी में बैठे जहाँ वक्त मिलता था टेप रिकॉर्डर पर जो है अपना एपिसोड रिकॉर्ड, तो ये 10 साल पुराना है तो इसको उतना आप समझ लीजिए, ये मणि जो है वही यहाँ स्ट्रगलर भी है एस्टैब्लिश सीरियल के लिए लिखने वाला है और दो तीन सीरियल जो है ऑलरेडी उसके टेलीविजन पे ऑन और ये रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर रहा है, जिसमें नेक्स्ट एपिसोड की कहानी वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, फिर सिगरेट निकालता है, घड़ी देखता है और प्रीति एंटर होती है और रिकॉर्डर में जो है ये बोल रहा है एपिसोड की कहानी, रात हो चुकी है, कमी आती नहीं, प्रकाश बेचे, ठीक है, प्रीति बोलती हाय मणि, रिकॉर्डर में मणि, मणि बोलता है प्रकाश फैसला करना चाहता है, प्रीति एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हो, मणि रिकॉर्डर ऑफ करता है, पटकता है, हाँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ, 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, बैठ बैठ कर उठ गया, क्योंकि मणि रात घर पर था, मैं झूठ बोलकर बहाने बनाकर यहाँ आई हूँ, मणि क्यों आई, जाओ जाकर पति देव की सेवा करो, फिर लाइटर निकालकर जलाने की कोशिश करता है, लाइटर जो है म्यूजिक बजता है, तो म्यूजिक वाला उस जमाने में नया शुरू हुआ करता है आज भी, तो म्यूजिक बजने लगता है, फिर गुस्से से लाइटर फेंकता है क्योंकि वो जल नहीं रहा, प्रीति बोलती है ये वही लाइटर है ना जो मैंने बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, मणि हाँ, प्रीति फिर मणि अब वो जलता नहीं, प्रीति म्यूजिक तो सुनाई देता है, मणि सिगरेट जलाने के लिए आग चाहिए, म्यूजिक की जरूरत नहीं, प्रीति तानसेन का नाम सुना है, मणि तानसेन म्यूजिक से दिए जलाते थे, सिगरेट बीड़ी नहीं, मैं सच कहूँ प्रीति क्या, मणि अब मैं तुम्हारे उस म्यूजिक से ऊब गया, कल वाले तुम्हारे एपिसोड में यही डायलॉग था, मणि तुमने देखा वो एपिसोड, प्रीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मणि लोगों को तो बहुत पसंद आया, प्रीति राइटर साहब तुम उस सुरजीत के कैरेक्टर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मणि मैंने क्या किया, प्रीति पिछले महीने वो बीमार था, फिर उसकी पत्नी उसको छोड़कर अपने दोस्त के पास चली गई, अब कल वाले एपिसोड में तुमने गुंडों से उसको पिटवाया, मणि तो क्या हुआ, प्रीति मैं जानती हूँ मणि सुरजीत वाला कैरेक्टर तुमने मेरे पति से लिया है, क्यों मेरे पति को बार बार इतनी कड़ी सजा देते हो, आर यू जेलस, मणि तुम कब से उससे प्यार करने लगी, प्रीति 10 साल से जब से हमारी शादी हुई है, मणि तो फिर मुझे मिलने क्यों आती हो, जाओ मैं जा रहा हूँ, प्रीति कहाँ, मणि मुझे कल वाला एपिसोड लिखना, प्रीति गुस्से में लिखोगे तो सुरजीत को चाप से मार डालोगे, फिर सिगरेट निकालता है और लाइटर उठाती है जिसको फेंक दिया है उसने, लाइटर उठाती है और चलाती है, म्यूजिक शुरू होता है, मणि कहता है अरे ये तानसेन तो जलने लगा, प्रीति हाँ प्यार से क्लिक करोगे तो ये गाता भी है और गाते गाते जलता भी है, लाइट खड़ा, अब देखिए एक फ्लैट सीन था और इसको करेक्ट करके लिखने के बाद में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इसमें सब टेक्स्ट है, इसमें एक लाइटर की इमेज है जो जो और कुछ बोलने की कोशिश कर, तो ये थोड़ा सा ये अगर चीज़ें होगी तो आपका सीन आपका थिएटर के लिए जो राइटिंग है वो फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अब आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। I try to speak in Hindi, but no, I think I'll stick to it. In the Western world, there's a saying
that life is a drama. And so at what level would you say that Natak plays a role between fantasy and realism? Is that a transition point or something where the brain switches from a fantasy level to into a reality stage? And how, what is that scale, 1 through 10? What level would you say one has to go through? Fantasy first, then Natak, and then realism. हम हिंदी में उतना समझ नहीं पा सकते। नहीं मुझे अंग्रेजी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरे ठीक से समझ नहीं है ये पॉइंट मतलब। नहीं हम वहाँ पर एक फैंटेसी रियलिटी स्टोरी है वाल्टर मिली, थिएटर जूनो स्टोरी है वाल्टर मिली, उसका रियलिज्म था सब वो फैंटेसी, फैंटेसी लाइफ वो ऑलवेज फैंटेसी 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 वो ड्रामा अपना माइंड के करके देन बिकम अ रियलिज्म एक साइड। So हम आपको बोल पूछते हैं, so just क्या human brain every time वो process से जाना पड़ेगा, वो नाटक एक fail करना पड़ेगा to go into reality. अभी भी मुझे थोड़ा सा मेरा अपने तरफ से confusion है। और मुझे और थोड़ा सा क्लियर होगा क्वेश्चन पे, शायद ये होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर दो एक्सट्रीम्स अगर हम ले रहे हैं जिंदगी में, कि एक एक्सट्रीम में है फैंटेसी और दूसरे एक्सट्रीम में हार्ड रियलिटी, ओके, ये दो एक्सट्रीम्स के बीच नाटक की जगह का वो एकदम बीच में है, फैंटेसी की तरफ है, रियलिज्म की तरफ है, और क्या फैंटेसी के फैंटेसी से रियलिटी की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो क्या नाटक एक माध्यम है या उल्टा, जो भी है, इज द प्ले द माध्यम? ये देखिए ये 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 थिएटर में रियलिज्म आया है, ये बहुत ही नई नई चीज़ है, 100-150 साल भी नहीं हो गए इसको जो रियलिज्म। हमारा कन्वेंशनल थिएटर जो है, ट्रेडिशनल थिएटर जो है, ये 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 जो अभी हम रियलिज्म देखते हैं खास करके वेस्टर्न वाले, और ये बार बार हो चुका है वहाँ के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, और ये मानकर चलते हैं कि एशियन या ओरिएंटल जो हमारा थिएटर है या हमारी जो ट्रेडिशन है, वो हम जो है ये फिजिकल वर्ल्ड जो है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो इनर यूनिवर्स या इनर वर्ल्ड। तो आप देखेंगे वो बर्टोल्ड ब्रेक्ट होने दो, या फिर वो रिचर्ड शेकनर होने दो, या वो ऑर्टो होने दो, जब सब ने, या तो बर्टोल्ड ब्रेक ने बीजिंग ओपेरा से इंस्पायर होकर अपने एपिक थिएटर की रचना की है, क्रोडोवस्की थे उन्होंने ट्रेनिंग में कथकली को यूज़ किया है, तो उनका ये मानना है कि हम जो है हम फिजिकल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते नहीं। हमारे यहाँ सूफी जमा है, हमारे यहाँ जेन है, ये सब जो है ये फिजिकल वर्ल्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं हमारे भीतर के दुनिया को, इनर वर्ल्ड को, और ये इनका मानना है कि फिजिकल वर्ल्ड से भी बहुत ज़्यादा मुझे पूरा कंट्रोल करने वाला, इस दुनिया को कंट्रोल करने वाला जो है वो इनर वर्ल्ड। बात ये है कि कन्वेंशनल जो भी थिएटर है वो मुझे लगता नहीं, ये ट्रेडिशनल थिएटर जो है ये सदियों से चला आया है, तो ये इसमें जैसा पीटर ब्रुक ने कहा कि थिएटर का काम क्या है, जो इनविजिबल को विजिबल करता है, जो इनविजिबल को विजिबल करता है, और यही मानना है वो नाटक श्रेष्ठ होता है जो आपके इनर यूनिवर्स को दिखाता है। और ये माना गया है कि अगर नाटक नहीं होता तो आप हमारे इनर वर्ल्ड को, इनर यूनिवर्स को कौन दिखाता, ये बात तो ठीक है। हमारी जो भी एक ट्रेडिशनल परंपरा है उसमें जो है उसमें फैंटेसी है, उसमें तो ये जो वेस्टर्न रियलिज्म है वो अभी पूरे दुनिया भर ये मानकर लोग चलते हैं कि इस थिएटर को इस रियलिज्म से निकलना चाहिए, और हमारा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल थिएटर था उसी तरीके से, क्योंकि इस रियलिज्म में जो है
नाटक के पूरे मैजिक को खत्म कर सकता है। मतलब देखिए एक एक हमारी ट्रेडिशन थी और छः सात सात आठ आठ घंटे का नाटक हुआ करता था। हमारे जो लोक नाटक थे वो दशावतार होने दो, रामलीला होने दो, तमाशा होने दो, या गांव गांव में हर सोसाइटी का अपना एक लोक कला या उसका अपना एक्सप्रेशन का एक फॉर्म था और आम आदमी के साथ वो कम्युनिकेट करता था। तो छः सात सात घंटे के नाटक हुआ करते थे। अब देखिए छः सात घंटे का नाटक होता था ये जब एक छोटे से विलेज में इस नाटक का परफॉर्मेंस होता था, तो इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए आसपास के विलेज के सारे लोग आते थे। और ये जो आते थे तो जंगल पार करके और नदियों में से तैर कर वो नाटक का शो देखने के लिए आते थे। तो अब नाटक करने वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि उसको जो है आगे में रात को 12 बजे तो नहीं बंद कर सकता, वो कहाँ जाएंगे कहाँ लोग। तो जब तक सूरज निकलता नहीं, जब तक लाइट आता नहीं, तब तक वो नाटक करता था। अब देखिए क्या रियलिस्टिक नाटक में 8 घंटे और 6 घंटे नाटक करने की, मैंने पीटर ब्रुक का नाटक छोड़ दीजिए और वारा जिले बंदी छोड़ दी, देखिए 8 घंटे के नाटक प्रोज नाटक में ऑडियंस को होल्ड करने की ताकत नहीं। फिर क्या है इसके लिए, तो पहले ट्रेडिशन हमारे नाटक थे उसमें एक्रोबैटिक है, उसमें गाना है, उसमें डांस है, उसमें क्या बफुनरी है, उसमें क्या जोकर है, उसमें सब कुछ है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये आपके ऑडियंस को होल्ड तो करती है और प्लस जो है वो अपने आप को जो बोलना चाहता है, जो एक्सप्रेस करना है, वो पावरफुली एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। तो ये हमेशा मतलब वास्तव, फैंटसी और फिर नाटक है, नहीं ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ही हमारे ट्रेडिशनल नाटक में। इसको और भी खींच कर यूजिनो बाबा जो बोलना चाहता है ऑडियंस के और नाटक वाले के रिलेशनशिप को लेकर, उसको वहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन वो समझाने के लिए इतना वक्त है। हाँ आपने जो एक एग्जांपल बताया एक स्टूडेंट का कैरेक्टर, वो उसके डायलॉग्स वगैरह उसने जो लिखा था वो, मेरा एक क्वेश्चन है कि वो स्टूडेंट जब वो स्टोरी लिख रहा था, डायलॉग्स लिख रहा था, तो वो फेल हो गया, मतलब उसका जो सब स्टोरी फ्लैट था, डायलॉग्स फ्लैट था, क्योंकि वो क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ही हैड एन इनर अर्ज टू टेल हिज स्टोरी, उसके पास वो इनर अर्ज था, बट स्टिल ही फेल। मे बी वो बोलते कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि आपने एक अच्छा मेटाफर यूज़ किया, जैसे कि लाइटर था, उसने भी लाइटर यूज़ किया था, उसने मतलब स्मोकिंग का बात किया था उसने, लेकिन उसको उतना इफेक्टिवली मैं नहीं बता पाया, लेकिन आपने करेक्ट करके जो लिखा उसमें बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया उसको एज अ मेटाफर। तो ये प्रॉब्लम मतलब उसने उसको कौन से प्रॉब्लम्स के थ्रू जाना पड़ा और फिर वो इसकी उसको ये आइडियाज़ क्यों नहीं आए उसको? बिल्कुल वो इनर अर्ज है, वो बोलना चाहता है मतलब, और वहाँ सब ठीक है, लेकिन उस बोलने के लिए थिएटर का थोड़ा सा ग्रामर मालूम होना चाहिए, उसकी क्राफ्ट मालूम होना चाहिए। अगर वो क्राफ्ट पता नहीं होती तो थोड़ा सा थिएट्रिकल राइटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल। अपार्ट मतलब उसके अलावा सर, उसके अलावा मतलब जो क्राफ्ट है वगैरह, उसके अलावा क्रिएटिविटी जो है उसको एनहांस करने के लिए कुछ और कुछ आइडिया, जैसे कि रीडिंग है जो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता है, ऑब्जर्विंग पीपल है जो एक्सपीरियंस बढ़ाता है, और कुछ जो आप शेयर करना चाहते हैं उसको बढ़ाने के लिए? एक तो आपको पढ़ना चाहिए, प्ले लिखना है तो प्लेस पढ़ने चाहिए आपको, नाटक पढ़ने चाहिए, मास्टर्स प्ले राइट्स के जितने प्लेस है उसको आपको पढ़ना चाहिए, और उससे ज़्यादा आपको नाटक देखना चाहिए। नाटक अच्छा हो बुरा हो उससे कोई लेना देना नहीं आपको, अगर पॉसिबल है आपके लिए किसी ग्रुप से जुड़ जाओ तो वहाँ एक्चुअली नाटक लिखने से लेकर एक परफॉर्मेंस तक का पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अगर आप गुजरेंगे तो थोड़ा सा उस क्राफ्ट को समझ थोड़ा सा आसान। इस नाटक में अभी क्या फर्क है मतलब, बेसिकली प्रोफेशनल थिएटर जो है देखिए बिल्कुल क्लियर लाइन, वो उसका प्रोफेशन है और प्रोफेशन करने के लिए एक एक ग्रुप है,
एक कंपनी है, एक्टर्स है और उससे जुड़े हुए लोग, और इसका सबका ब्रेड बटर जो है वो वहाँ से निकलता है उस नाटक के। तो प्रोफेशनल नाटक है बिल्कुल। ऑडियंस ऑडियंस मैं पसंद की बात नहीं करता, देखिए जब एक आप प्रोफेशनल नाटक देखने के लिए जाते हो, प्रोफेशनल नाटक देखने के लिए, तो मेरा काम ये है कि आपको आपको कंफर्ट नहीं करना, आप कंफर्टेबल। ये देखिए आप एक लाइफ जी रहे हो, आपकी एक जिंदगी है, आप एक लाइफ जी रहे हो अपने तरीके से। प्रोफेशनल नाटक जब देखने आप तो आप सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करते हो, मतलब इंटरटेनमेंट वगैरह छोड़ दो, लेकिन आप इतना ही एक्सपेक्ट करते हो मैं जिस तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ, जो मेरा जीवन है वो अच्छा है, ठीक है, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि वो अच्छा है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर ये मेरा नाटक आपको सर्टिफिकेट देता है और भरोसा देता है कि आपके लाइफ में कोई चेंज की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर है, मतलब एक कार आपके पास है और एक आपको चाहिए, मिल जाए, कोई प्रॉब्लम, अगर ये बोलता है तो आप खुश होते हैं, आप कंफर्टेबल होते हैं। अगर मैं आपको ये बोलने की कोशिश करूँगा कि आपका लाइफ बहुत खराब है, इसमें चेंजेस की जरूरत है, आप बर्बाद हो जाओगे, मतलब आज आपके पास दो कार है, आपके पास पैसा है, आपके पास अपने, लेकिन आपका आपका और इस सोसाइटी का नाश होने वाला, तो आप बोल गया 500 रुपये दे के क्या सुना, आप जो है कंफर्टेबल नहीं रहोगे। ये प्रोफेशनल नाटक जो है आपको कंफर्टेबल, जो आपका कंफर्ट है उसको कहीं मैं उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं, तो आप खुश होकर जाते हैं, आपको वो नाटक पसंद आता है, वो सीरियस होने दो, वो रुलाने वाला होने दो, हंसाने वाला होने दो, डराने वाला होने दो, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं बोलता कि आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है। लेकिन कोई जो नाटक है वो चेंजेस की जरूरत की बात करता है तो आप रेस्टलेस हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता। ये एक प्रोफेशनल नाटक, एक्सपेरिमेंटल नाटक देखिए, वो एक्सपेरिमेंट करना उसका काम, उसके लिए ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं, उसको ये लगता है, क्योंकि आदमी एक डायरेक्ट हर आर्ट जो है जुड़ी हुई है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जैसा आदमी का लाइफ चेंज होता है वैसे नाटक को जो है उस लाइफ को पकड़ने के लिए, उस एक्सपीरियंस को पकड़ने के लिए उसको भी बदलना पड़ता है। अब देखिए तेंदुलकर के स्टाइल में मैं अगर आज लिखूँगा तो मैं आज के लाइफ को पकड़ नहीं पाऊँगा। तेंदुलकर की जो स्टाइल है, तेंदुलकर की जो लैंग्वेज है, तेंदुलकर की जो भाषा है, वो 60s-70s के लाइफ को पकड़ने के लिए करी थी, आज उस भाषा में मैं आज के लाइफ को नहीं पकड़ सकता, मैं कालिदास के भाषा में नहीं लिख सकता, मैं शेक्सपियर के भाषा में नहीं लिख सकता, मुझे आज का एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए आज की भाषा ढूंढनी होगी, और हमेशा पुरानी भाषा जो है, ट्रेडिशनल जो थिएटर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, उसको तोड़ना पड़ता है, तभी आज के लाइफ को पकड़ना पॉसिबल है, और ये काम एक्सपेरिमेंटल थिएटर वाले करते हैं। शफ़ात, अपने थोड़ी सी पर्सनल बात बताइए कि जब आपने पहला नाटक लिखा वो कौन था, कौन सा था, और किस उद्देश्य से लिखा था, मतलब किस चीज से इंस्पायर होकर आपने लिखा था। देख पहला एक तो बात ये है, मेरे इंप्रेशंस बड़े अलग अलग ना, और वो सारे इम्प्रेशंस ने जो है मेरी नाटक के स्टाइल को बिल्कुल अलग कर दिया। मेरे एक तो मैं फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो गांव-गांव में मैं भटकता था, मैं कहीं सेटल नहीं था, मैं कर्नाटका में था, गोकर्ण में था, मैं वसई में था, मैं गोवा में था, मैं गुजरात में था, और यहाँ के अलग अलग इम्प्रेशंस है, और वो वाइब्रेंट बहुत एनर्जी वाले और बहुत कलरफुल, ये मतलब मैं बहुत छोटा, मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने यक्षगान का खेल देखा था, मेरे बिल्कुल नेबर थे, एक बड़े जमींदार थे, अगरकर नाम थे, और उनके वहाँ जो एक यक्षगान का खेल हुआ था, तो मैं मेरा पहला एनकाउंटर जो है, क्या मैंने पहला इंप्रेशन है वो यक्षगान का, मुझे जो याद है, मुझे कर्ण भी याद है, वो इतने बड़े बड़े मास्क, कलरफुल, और वो डांस करना, और वो उसका बहुत बड़ा इम्प्रेशन मुझे आज तक, मैं वहाँ से गोवा चला गया, और गोवा में जाने के बाद ये हुआ, तो गोवा में मैं जहाँ रहता था वहाँ अगल बगल में उस गांव में कम से कम 17-18 टेम्पल्स थे, और हर टेम्पल में महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका का मुझे इतना याद नहीं,
लेकिन हर टेम्पल का जब उत्सव मनाया जाता है तो ये कंपल्सरी है कि वहाँ नाटक करना पड़ता है, बिना नाटक के वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि उस गांव में जो है नौकरी करने के लिए लोग बम्बई पे चले, लेकिन गांव का उत्सव है तो आप देखेंगे, खास करके आप दादर लालबाग परेड में जाएंगे, वहाँ गार्डन्स है, और शाम को आप देखेंगे कुछ लोग खड़े होकर वहाँ रिहर्सल कर रहे हैं। ये लोग कौन है? ये उस गांव के लोग, और वो बम्बई में रिहर्सल करके, और उनके पास कोई लेडी कैरेक्टर नहीं है, तो मराठी में कुछ लड़कियाँ हैं जो सिर्फ गाँव के नाटकों में काम करती, और गांव के नाटक में काम करने के लिए बहुत रिहर्सल की जरूरत नहीं, वो स्क्रिप्ट लेकर जाती है, पढ़ती है, उसका डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं, दो दिन के लिए उसको जो है अच्छा 5-10 हज़ार रुपये का अर्निंग होता है उसका। तो ये जो है ये गांव में जाकर नाटक करते, तो मैं जो इसमें था गोवा में था, तो मैंने 17-18 इसमें जो है गाँव वाले नाटक करते थे, और वो वही जो मेल फीमेल कैरेक्टर है जो वो आदमी करता था, कोई जिस आदमी को मैं अक्सर देखता था मार्केट में और यहाँ हुआ, लेकिन वो जब औरत बनता था और औरत की क्या कहते हैं उसके पेन और सफरिंग को लेकर इतनी छाती पीट पीट के अभिनय करता था, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन है। आज भी मैं जब नाटक करता हूँ तो मुझे वो एनर्जी और वो लाउडनेस बहुत पसंद है। तो मैंने बहुत कम रियलिस्टिक नाटक, और मुझे हमेशा ही मेरे नाटक में बार बार एक ही थीम रिपीट होती है, और जैसा मैंने कहा हर आदमी के अंदर भीतर एक कहानी है और वो बाहर निकल कर नहीं आती। तो वो मैं वसई में था, तो वसई में मेरे फादर वहाँ बड़े ऑफिसर थे, और वहाँ पर रामलीला करने वाले लोग आए थे, और नॉर्थ से आते छोटी बड़े बड़ा ग्रुप छोटा गरीब ग्रुप, और वसई में आता था और वो 10-11 दिन जो है वहाँ पर नाटक करते, और मेरे बंगले के बाहर ही वो ग्राउंड था, वो गवर्नमेंट का था तो फादर से परमिशन लेने आते, और मैं जिस बंगले में रहता मुझे अलाउड नहीं था वहाँ देखने के लिए, तो मैं जो है मुझे सिर्फ वहाँ नाटक होता था, और मैं यहाँ से देखता था जो मुझे पीछे वाला सीन दिखाई, मुझे नाटक नहीं दिखाई देता था, लेकिन जब एक्टर बाहर आता था बाहर जब एग्जिट होती थी और बाहर जो है तो मैं देखता था कृष्ण और बड़े बड़े भगवान जो है उस भेष में लोग बाहर आते थे और सब कॉस्ट्यूम वगैरह ऊपर करके नीचे बैठ के वीडियो वगैरह करते थे। तो मुझे एक्चुअली ये नाटक बहुत बहुत पसंद है। बाद में मैंने भूमि की साफ़ लिखा, बाद में मैंने शोभा यात्रा लिखा, मेरे हर नाटक में यही इमेज बार बार आती रही है। तो मास्क और मास्क के पीछे का आदमी, ये मेरा एक बड़ा पॉपुलर थीम बन गया है, मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो जो यू आर स्टोरी वाली जो बात है कि वो भीतर आपके है और वो बाहर निकलने नहीं देती, तो वो वाला प्रॉब्लम। तो ऐसे सारे इंप्रेशन, अब जब मैंने स्कूल के लिए गैदरिंग के लिए कोई देने वाला नहीं था तो मैंने नाटक लिखा, उस पर बहुत लोगों के इंप्रेशन थे। वो एक तो स्किट थी, आज उसको मैं मुझे यहाँ बोलना भी मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसके कुछ इंप्रेशंस थे। तो शुरू में जब आप शुरुआत करते हो तो नेचुरली आपको थोड़ा सा, तो पहले आप साइकिल चलाते हो तो सपोर्ट के लिए दो छोटे चक्के होते हैं, वैसे पहले जब आप लिखते हो तो कुछ ना कुछ एक सपोर्ट के लिए किसी को पकड़ना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे आपको ऑथर अपना वॉइस मिलता, तो उसके बाद जो है वो सपोर्ट, बिना सपोर्ट के आप आगे बढ़ सकते। ऐसा पिन पॉइंट करना खास करके, मैं ऐसे बोला कि बहुत सारे इश्यूज है, ऐसा नहीं इश्यूज नहीं है, और उस इश्यूज को लेकर लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारे इश्यूज, ये सारे कंसर्न, ये सारी चीज़ों को लेकर रेस्टलेस होना, चिंतित होना, ये सब आपके भीतर होता ही है। जैसा वो अमित कुशरो बोलता है कि कैरेक्टर्स भी है आपके पास, प्लॉट भी है, आइडिया भी है आपके पास, सब कुछ है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके भीतर है ही। एक दिन जब एक इश्यू अब आपको लगेगा कि जैसे मैंने शोभा यात्रा नाम का नाटक लिखा, तो ये लिखने के लिए मैं एक 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 50 साल हो गए आज़ादी को, तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी
क्राइम बहुत बड़ा पैसा रिलीज कर दिया, फंड रिलीज कर दिया, और गांव-गांव में जो है अलग अलग प्रोग्राम्स हो गए क्योंकि पैसा था और वो पैसा खर्चा करने के लिए कोई आइडियाज नहीं आ रहे थे लोगों के पास। एक आइडिया किसी के दिमाग में निकली कि अलग अलग स्टेट के प्लेराइट को बुलाएंगे, ठीक है, और उनको बोलेंगे कि 50 साल में नहीं लेकिन आज़ादी के लिए आपके स्टेट के लोगों ने क्या, कौन था लीडर जिसने आज़ादी में लड़ाई की, तो उसको लेकर एक नाटक करो। तो सिलवासा में मैं चला गया तो वहाँ एक्चुअली कुछ प्लेराइट थे, गुजरात से थे, गोवा से थे, महाराष्ट्र से मैं था और राजस्थान से थे, और हर आदमी जो है अपने अपने पृथ्वीराज चौहान को लेकर गुजरात से आया था और किसी को लेकर, वो अलग अलग नाटक लिख रहे थे। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक 7-8 दिन में मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई रेडियो आइडिया नहीं थी, मैं ऐसे ही चला गया और मेरा मुझे लगा कि वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आएगा क्योंकि इतने सारे बड़े प्लेराइट्स हैं तो उनके साथ बैठूंगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा। लेकिन 3-4 दिन होने के बाद भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मैं ऐसे ही खा रहा था, पी रहा था और जो है मौज मना रहा था। तो फिर मुझे एक कॉम्प्लेक्स आने लगा कि रोज आकर रोज पैनल सामने बैठे तो कुछ हाँ आपने लिखा, बस दिमाग में सब रेडी है, यहाँ है, सुबह उठ के जो है मैं लिखूँगा, और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मुझे लिखना। अब प्रॉब्लम ये था, अब जो इश्यूज बोलते हो वो इश्यूज तो भीतर थे ही, अब 50 साल आज़ादी को हो गए, ये एक किस टाइप की आज़ादी है, कहाँ तक आज़ादी, किसको आज़ादी मिली वगैरह, ये कुछ सवाल थे। अब हुआ ये सब मेरे भीतर थे, और जैसे मैं उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा था, एक अगस्त क्रांति मैदान एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसमें मेरे सारे दोस्त थे, वामन केंद्र से लेकर पुरुषोत्तम बेरडे से लेकर, और बहुत बड़ा पूरी हिस्ट्री को इन लोगों ने वहाँ पर क्या कहेंगे उसको, उसका ड्रामा, मतलब वहाँ पर झांसी की रानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सब मेरे दोस्त ही बने थे वो कैरेक्टर्स, और वहाँ बहुत बड़ा एक रिहर्सल में मैं चला गया। और जैसे मैं अंदर इंटर हुआ तो वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो आए और वो सिगरेट के लिए किसके पास मैचेस ढूंढ रहे थे, तो मुझे बोले तुम्हारे पास उस जमाने में सिगरेट पीता था, मैच बॉक्स है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है मेरे पास मैच बॉक्स में। तो ये मेरा दोस्त था बापू कामेरकर नाम था, और फिर ये एक इमेज थी, वो रामलीला की एक इमेज थी वसई वाली, और फिर ये एक बड़ा एक प्रेशर था, दबाव, रोज उस पैनल के सामने जाना और सर झुका कर बोलना कि कुछ नहीं लिखा मैंने। और हुआ ये कि उस दिन सुबह मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था और एक छोटा सा वहाँ से एक विलेज से पेपर निकलता है, वो न्यूज़पेपर का वहाँ आया था, और उसमें एक कहानी छपी थी, फैक्ट ये कि वहाँ डेजर्ट में जीप से लोग ट्रैवल करते, और एक जीप में 20-25 लोग बैठते, ऊपर भी बैठते हैं, साइड में भी बैठते हैं, कुछ लोग तो उसको लटकते हैं वगैरह वगैरह, और वो एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते, तो एक गाँव से दूसरे गाँव में वो एक गाँव वाला था देहाती, उसने ट्रैवल किया और उसका गाँव आने के बाद वो रुक गया, और ड्राइवर ने कुछ उसके पास 50 पैसे या 1 रुपया जो भी था और उसके पास मांगा, और उसके पास पैसे नहीं थे, तो ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स ले ली और उसको कुचल कर मारा। ये फैक्ट थी और ये न्यूज़ थी, और ये जो है ये इसको आप ब्रेकिंग पॉइंट कहिए या आर्किमिडीज जो बाथ टब में गया और उसको सारी चीज़ें फॉर्मूला उसको समझ में आ गया, वैसा जो है इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे जो भीतर जो सब कैरेक्टर्स थे, इमेजेस थे और मेरे सारी इश्यूज और कंसर्न्स थे वो बाहर आए, उसके बाद मैंने शुरुआत करा नाटक। तो ये बड़ा कॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोसेस है, वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस सारी चीज़ों को समझाना, और लिखते वक्त तो उसको समझना भी। जैसे कि एक होता है स्टोरी, स्क्रिप्ट और स्क्रीन राइट, तीनों, क्या इनमें किस तरह का तालमेल रहेगा, कुछ अलग है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले साल अभी जो काला घोरा फेस्टिवल खत्म हुआ है, इससे पिछले साल मैं थिएटर वाला का एक प्ले देखा था, बच्चों सबने किया था, और क्योंकि स्टेज एक रहता है, पर्दे भी उतने ही चौड़े रहते हैं स्टेज के बराबर जनरली, या फिर हम टीवी रहते हैं छोटे से में स्क्रीन रहते हैं, तो ये बच्चे सब जो प्ले कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनके बॉडी मूवमेंट जस्ट एट ए
फिल्म के पर्दे पर जो हम देखते हैं जस्ट वो, क्योंकि थिएटर में हम देखते हैं बॉडी मूवमेंट्स और फिल्म के बॉडी मूवमेंट्स में कुछ अंतर नजर आता है। तो क्या ये तीनों स्टोरी स्क्रिप्ट और स्क्रीन ये तीनों का क्या तालमेल है या कुछ अलग है? और स्टोरी को क्या हम इसके साथ जोड़ सकते हैं स्क्रिप्ट के साथ? मुझे समझ में इतना ही आया है कि थिएटर और फिल्म में क्या अंतर है ये आप जानना चाहते हो, मतलब स्क्रीन प्ले लिखना वगैरह वो तो बहुत बड़ी बात होगी, पर इतने छोटे इसमें उसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, स्टोरी और स्क्रिप्ट, जहाँ तक मैं समझता हूँ स्क्रीन प्लेइंग जो रहता है क्योंकि तो फिल्म के लिए लिखा जाता है और कैरेक्टर वाइज उसको विस्तार किया जाता है। नहीं, फिल्म राइटिंग का थोड़ा सा मेरा नॉलेज थोड़ा कम ही है, तो इस पे बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँ। तो स्क्रिप्ट को सर क्या स्क्रिप्ट इसमें भी लिखा जाता है ले तो कहते हैं कैरेक्टर वाइज जो रहते हैं? आप स्क्रिप्ट किसको समझ रहे हो मेरे समझ? वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे, स्टोरी स्क्रिप्ट सबके बारे में, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसे ऐसे आगे मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी प्ले सब लिखूँ। आपको लिखना चाहिए। हाँ, लेकिन अंदर जैसा आपने कहा कि जैसे आपने अभी जो प्ले पढ़ा थोड़ा कैरेक्टर को आपने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, क्योंकि आपके जो एक शख्स जो लिखे थे वो उतना अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं है क्योंकि अंदर से नहीं आया। वही मेरे साथ होता है कि मैं अंदर से उसे बाहर नहीं ला पाता, यही चीज़ है। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे थीम सब हैं जिस पर मैं चाहता हूँ कि लिखना उसको, कुछ छोटे मोटे तो मैंने लिखा है जैसे करप्शन वगैरह पर बहुत अच्छी, लेकिन फिर बड़े बड़े मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह। बात है कि लिखना बहुत आसान है, लिखने के लिए बैठना बड़ा मुश्किल था। ये मैं अपने आप को भी समझा। तो आपको वक्त निकाल कर आपके भीतर इतना सब कुछ है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका अनकॉन्शियस जो बहुत रीच है और उसको आप बाहर लाना चाहते हो, तो आपको आपको बैठना चाहिए और बैठ कर जो है आपको शुरू करना चाहिए, है ना। आप लिखते जाइए लिखते जाइए, वो जो है भीतर बाहर आएगा। कुछ मैंने लिखे हैं और छोटे छोटे वो, लेकिन हाँ ये है कि यदि उसे स्टेज पर किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल आधा 45 मिनट तक वो जा सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा पाते। मैंने इस तरह से कुछ बड़े बड़े मैंने जैसे 1-2 घंटे के होते हैं वो, नहीं आजकल 90 मिनट्स का भी काफ़ी है। नहीं, एक घंटे का भी होता है। एक घंटा का भी होता है। तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ये मत की, अगर 40 मिनट्स का भी हो रहा है 35 मिनट्स का भी हो रहा है तो उसको लिखते रहिए। एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक वी आर डन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर दिस लवली लवली।